बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रिस्पायरेटरी ट्रैक पैथोलॉजी। रिस्पायरेटरी ट्रैक पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेजोफेरिंक्स के बारे में। नेजोफेरिंक्स में आता है राइनाइटिस। राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा और एडिनो वायरसेस की मोस्ट कॉमन कॉज होती है। अब जब एडिनो वायरल आपके नेजल म्यूकोजा को इन्फेक्ट करते हैं तो पेशेंट को प्रेजेंट करता है स्नीजिंग के साथ, छींके उसको बहुत ज़्यादा आएंगी, कंजेशन हो जाएगी, नेजल कंजेशन होती है, साथ रनी नोज़ हो जाती है, जो नॉर्मली से हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, जिसमें आपको फ्लू का ड्रिबल हो रहा होता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक सब टाइप ही है राइनाइटिस की, और इसमें टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है पोलेंस की वजह से। जो एक एलर्जिक राइनाइटिस होता है वो राइनाइटिस की ही एक सब टाइप है। इसमें आपको इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलता है, जिसमें हमें इओसिनोफिल्स मिलते हैं, और पेशेंट एक्जिमा या फिर एस्थमा का पेशेंट होता है। अब राइनाइटिस में एक तो एडिनो वायरल होता है राइनाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। स्नीजिंग होगी, साथ कंजेशन होगी, रनी नोज हो जाती है, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो कि पोलन की वजह से होती है राइनाइटिस में, और इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट हमें मिलता है विद इओसिनोफिल्स। पेशेंट जो है उसको एजमा भी हो सकता है या फिर एक्जिमा भी हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस में। सेकेंड इज नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप में आपके एडिमेटस इन्फ्लेम्ड नेजल म्यूकोजा की वजह से एक प्रोटीयन डेवलप हो जाती है आपके नोजल नेजल म्यूकोजा में। एडिमेटस प्रोटीयन होती है आपके नेजल म्यूकोजा के अंदर, क्योंकि आपकी नेजल म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और जब जिस पेशेंट को बार बार राइनाइटिस रहता है उनको नेजल पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, या फिर एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्मा। एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्मा के अंदर आपको एस्थमा में मिलता है, ठीक है, एस्पिरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म में मिलता है, और साथ में नेजल पॉलिप्स मिलते हैं, और 10% एस्थमैटिक अडल्ट्स के अंदर एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्मा हो जाता है, इंटॉलरेंट एस्थमा, ठीक है, कि एस्पिरिन की वजह से उनको एस्थमा डेवलप हो जाता है, एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्थमा, ठीक है। एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्थमा का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है उसको एस्पिरिन से एलर्जी होती है, जब वो एस्पिरिन लेता है तो उसको ब्रोंकोस्पैज्म स्टार्ट हो जाता है, साथ उसको एस्मा भी होता है, और तीसरे उसके नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं, और 10% एस्थमैटिक पेशेंट्स के अंदर नेजल पॉलिप्स होते हैं जिनको एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्मा होता है, और जिनको क्रॉनिक राइनाइटिस होता है उसमें नेजल ये डेवलप हो जाता है। अब एंजियोफाइब्रोमा जो होते हैं ना हमारे पास, ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं आपकी नेजल म्यूकोजा के, और इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है, एडोलेसेंट मेल्स के अंदर कॉमन होते हैं, और इन इस तरह के पेशेंट्स को बार बार एपिस्टेक्सिस होगी। बेनाइन ट्यूमर होते हैं एंजियोफाइब्रोमा, इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइब्रस टिश्यू होगा। एंजियोफाइब्रोमा है ना, तो एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, फाइब्रोमा मीन्स फाइब्रस टिश्यू होगा, तो लार्ज ब्लड वेसल्स होंगी, फाइब्रस टिश्यू होंगी, बेनाइन ट्यूमर होता है, एडोलेसेंट मेल्स के अंदर, यंग मेल्स के अंदर कॉमन होता है, और इसके साथ क्योंकि लार्ज ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है तो इससे इनको ब्लड नोज ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस भी बार बार होती है। उसके बाद नेजोफ्रेंजल कार्सिनोमा आता है। नेजोफ्रेंजल कार्सिनोमा आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर है नेजोफ्रेंजल एपिथीलियम का। नेजोफ्रेंजल कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा बता रहे, मेलिग्नेंट ट्यूमर है नेजोफ्रेंजल एपिथीलियम का। एब्स्टेन बार वायरस के साथ एसोसिएट होता है, अफ्रीकन चिल्ड्रन के अंदर होता है, चाइनीज एडल्ट्स में होता है, और बायोप्सी के ऊपर हमें प्लियोमॉर्फिक कैरेटिन पॉजिटिव एपिथीलियल सेल्स मिलते हैं, जो कि पोअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं फर्स्ट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से, और साथ में लिम्फोसाइट पे मिलते हैं, और आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। नेजोफ्रेंजल कार्सिनोमा एब्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है, अफ्रीकन चिल्ड्रंस के अंदर कॉमन होता है, चाइनीज अडल्ट्स में कॉमन होता है। हिस्टोलॉजी के ऊपर जब हम बायोप्सी कराते हैं तो हमें प्लियोमॉर्फिक कैरेटिन पॉजिटिव एपिथीलियल सेल्स मिलते हैं, जिनको जो कि प्योरली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, और साथ में लिम्फोसाइट्स भी मिलते हैं, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाती है। उसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, जिसमें एपिग्लॉटिस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आपका सबसे ज़्यादा कॉमन होता है नॉन इम्यूनाइज चिल्ड्रन के अंदर। बच्चे को बुखार हो जाएगा, गला ख़राब होगा, स्लाइवर ड्रूल करेगा, उसके डिस्फेजिया डेवलप हो जाता है, उसकी वॉइस मफल्ड हो जाती है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर हमें मिलता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। बुखार तेज हो जाता है, गला ख़राब होगा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में, डिस्फेजिया हो जाता है, उसे स्वॉलो नहीं किया जाता है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा ना स्टार्ट होता है कि स्लाइवा भी स्वॉलो नहीं किया जा रहा होता है, तो इस वजह से उनको ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है, मफल्ड वॉइस हो जाती है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर मिलता है कि सांस लेते हुए हमें आवाज़ आएगी, और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है। उसके बाद क्रोप आता है, जो कि अपर एयरवे की इन्फ्लामेशन होती है, इसमें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अब एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और लेरिंजो ट्रेकोब्रोंकाइटिस के अंदर, क्रोप के अंदर हमने वायरसेस लाजमी याद रखने हैं कि जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से था। जो हमने पढ़ा था नेजोफ्रेंजल कार्सिनोमा था वो एब्स्टेन बार वायरस की वजह से हो रहा था, और जो एक्यूट लेरिंगो ट्रेकोब्रोंकाइटिस होता है ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, हॉर्स वॉइस बार्किंग, डॉग कफ हो जाती है, और साथ इसमें भी हमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर मिलता है। वोकल कॉर्ड्स नोड्यूल्स में सिंगल नोड्यूल होगा, जो कि आपके वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर अराइज करता है। बहुत ज़्यादा जब आप वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करते हो, ज़्यादातर यूजली बायलैटरल होता है।
इसमें आपकी मैग्जॉइड कनेक्टिव टिश्यू डीजनरेशन हो जाती है, पेशेंट को हॉर्शनेस ऑफ वॉइस होगी और रेस्टिंग ऑफ वॉइस के साथ ही रिजॉल्व भी कर जाता है। वोकल कॉर्ड नोड्यूल, इसको सिंगर्स नोड्यूल भी कहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बोलते हैं, लाउड साउंड इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर वोकल कॉर्ड थ्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर नोड्यूल बन जाता है, उसकी वजह से उनकी हॉर्शनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। और ये बेसिकली इसमें डीजनरेटिव मैग्जॉइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैग्जॉइड मतलब डीजनरेटिव आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, पेशेंट प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर ये बायलैटरली होता है, जब आप वोकल कॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको वोकल्स नोड्यूल या फिर सिंगल नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं और इसमें हॉर्शनेस ऑफ वॉइस होगी, और जब पेशेंट रेस्ट करता है तो उसकी वॉइस ठीक हो जाती है। उसके बाद आता है लेरिंजल पैपिलोमा। लेरिंजल पैपिलोमा आपका बेनाइन पैपिलरी ट्यूमर है वोकल कॉर्ड का, ठीक है, और ये ह्यूमन एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 के साथ एसोसिएटेड होता है। सिंगल होता है एडल्ट्स में, बच्चों के अंदर मल्टीपल होता है। वोकल कॉर्ड के अंदर आपको एक बेनाइन पैपिलरी ट्यूमर मिलेगा, ठीक है। बेनाइन पैपिलरी ट्यूमर आपको वोकल कॉर्ड का मिलता है जो आपका लेरिंजल पैपिलोमा होता है, और इसमें भी पेशेंट हॉर्शनेस ऑफ वॉइस के साथ प्रेजेंट करेगा। जब जब आपके वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको हॉर्शनेस ऑफ वॉइस डेवलप हो जाती है। लेरिंजल कार्सिनोमा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, यूजुअली आपके एपिथेल लाइनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड से अराइज करता है। टोबैको और अल्कोहल के साथ इसके एसोसिएशन होती है, और कभी कभी जो है वो लेरिंजल पैपिलोमा से भी लेरिंजल कार्सिनोमा अराइज कर सकता है। इसमें आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होता है जो आपका लेरिंजल कार्सिनोमा होता है। इसमें भी हॉर्शनेस ऑफ वॉइस होगी, साथ आपको कफ हो जाती है और स्ट्राइडर हमें मिलता है, कफ और स्ट्राइडर मिलता है, हॉर्शनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है जो कि आपके एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। उसके बाद आती हैं पल्मोनरी इन्फेक्शंस। इसमें सबसे पहले आती है नमूनिया। नमूनिया के अंदर हमारे पास लंग पैरेन्काइमा की इन्फेक्शन होती है। नॉर्मल डिफेंस आपका इम्पेयर्ड हो जाता है, इम्पेयर्ड कफ रिफ्लेक्स होगा, उससे खांसी नहीं की जाती है, डैमेज होता है आपकी म्यूकोसिलरी एक्सेलरेटर का, म्यूकस प्लगिंग हो जाती है, ठीक है। म्यूकस प्लगिंग हो जाएगी आपकी चेस्ट के अंदर, म्यूकोसिलरी एक्सेलरेटर का डैमेज होता है, आपकी कफ रिफ्लेक्स आपका इम्पेयर्ड हो जाता है, नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म आपके इम्पेयर्ड हो जाते हैं। लंग पैरेन्काइमा की इन्फेक्शन को हम नमूनिया कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में फीवर्स होंगे, बुखार हो जाएगा, सर्दी लगती है, कफ होती है, साथ इसमें येलो कलर का स्पूटम आता है या रेड कलर का स्पूटम भी आ सकता है, और चेस्ट पेन होगा, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है, सांस लेने के साथ एक तो हार्ट रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा है, साथ उसको चेस्ट पेन भी होता है, ब्रेथ साउंड उसकी डिक्रीज हो जाती है, डल हमें पर्कशन नोट मिलता है, डब्ल्यूबीसी काउंट उसका ज़्यादा हो जाता है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो स्पूटम ग्राम स्टेन और कल्चर के लिए ब्लड कल्चर, चेस्ट एक्सरे नहीं कराना होता है, ठीक है, स्पूटम स्टेनिंग हम कराते हैं, ग्राम स्टेनिंग और कल्चर कराते हैं स्पूटम का, साथ हम ब्लड कल्चर भी कराते हैं ताकि हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डायग्नोज कर सकें। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें लोबार नमूनिया, तीन तरह के पैटर्न्स आते हैं इसके चेस्ट एक्सरे के ऊपर, ठीक है। एक होता है लोबार नमूनिया जो एक पूरे लोब्यूल ऑफ द लंग को इन्वॉल्व करता है, लोब ऑफ द लंग को, ब्रोंको नमूनिया तो जो ब्रोंकियोल्स का अफेक्ट करेगा, और एक इंटरस्टीशियल नमूनिया होता है जो इंटरस्टीशियम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तीन तरह का होता है, एक आपका लोबार नमूनिया होगा जो पूरे लोब को, ब्रोंकोजारिक का ब्रोंको नमूनिया होता है, और साथ इंटरस्टीशियल नमूनिया होता है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, स्पूटम का कल्चर कराते हैं, स्पूटम की ग्राम स्टेनिंग कराते हैं और ब्लड कल्चर भी कराते हैं। पेशेंट को बुखार हो जाएगा, सर्दी लगती है, स्पूटम के साथ कफ आती है, येलो कलर का स्पूटम भी हो सकता है, रेड कलर का रस्टी स्पूटम भी हो सकता है, हार्ट रेट सॉरी रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा, टिकिपनिया हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रेथ साउंड्स कम हो जाती हैं, डल पर्कशन नोट हमें मिलता है, डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पिक्चर शो की है कि एक्यूट एपिकुलोटाइटिस के अंदर इसमें डूलिंग ऑफ सलाइवा होगा और साथ उसे स्वॉलो नहीं किया जाता है, बच्चों के कॉमन होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। जो वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स यहाँ पे शो किए हैं जो कि सिंगर्स नोड्यूल्स होते हैं जो कि आपके ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लोबार नमूनिया शो किया हुआ है कि पूरे लोब ऑफ द लंग को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, और एक्सरे अपीयरेंस यहाँ पे शो की है, रेड हेपेटाइजेशन और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके एल्वियर सैक्स की। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास लोबार नमूनिया क्या होता है। जो तीन तरह के हमने नमूनिया पढ़े हैं ये आपको एक्सरे के ऊपर नजर आते हैं, एक लोबार नमूनिया, एक ब्रोंकोजेनिक नमूनिया, एक ब्रोंको नमूनिया और एक इंटरस्टीशियल जिसे हम एटिपिकल नमूनिया भी कहते हैं, और फिर चौथा यहाँ पे दिया हुआ है एस्पिरेशन नमूनिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा लोबार नमूनिया। लोबार नमूनिया में कंसोलिडेशन होती है इंटायर लोब ऑफ द लंग की, एक पूरा लोब इन्वॉल्व होता है और ज़्यादातर ये बैक्टीरियल होती है। बैक्टीरिया में भी कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया 95% और क्लेबशियाला होता है, ठीक है। क्लेबशियाला नमूनिया हो जाएगा और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आपका इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और क्लेबशियाला आपका लोबार नमूनिया कराते हैं जिसमें पूरा एक लोब आपका इन्वॉल्व होता है। ग्रॉस अपेयरेंस जो होती है ना, क्लासिकल ग्रॉस फेजेस होते हैं नमूनिया के, ठीक है। अब ग्रॉस फेजेस कौन कौन से होते हैं नमूनिया के, लोबार नमूनिया के, पहले कंजेशन होगी,
फिर रेड हेपेटाइजेशन होती है, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन होती है और फिर रेजोल्यूशन हो जाती है। कंजेशन में क्या होगा कि आपकी ब्लड वेसल्स कंजेस्टेड हो जाती है, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। रेड हेपेटाइजेशन में न्यूट्रोफिल्स, हेमरेजिक फिलिंग होती है आपकी एल्वियोलर एयर स्पेसेस की, और जो नॉर्मली स्पॉन्जी लंग्स होते हैं ना वो सॉलिड कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाता है। ग्रे हेपेटाइजेशन के अंदर उन्हीं रेड सेल्स की विद इन एक्सोडेट जो डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और फोर्थ स्टेज होती है रेजोल्यूशन। चार स्टेजेस होती हैं लोबार निमोनिया के, जो ग्रॉस फेजेस होते हैं, जो हमें देखने से भी नजर आ सकते हैं। ग्रॉस फेजेस होते हैं ये लोबार निमोनिया के। पहले कंजेशन, जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स की कंजेशन होगी और एडिमा डेवलप होगा। रेड हेपेटाइजेशन के अंदर एक्सोडेट की वजह से होती है, इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं और आपके एल्वियोलर सैक्स की हेमरेजिक फिलिंग हो जाती है, ब्लड आ जाता है उसके अंदर, और आपका जो स्पॉन्जी लंग होता है वो आपका सॉलिड कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाता है। जो ग्रे हेपेटाइजेशन होती है उसमें आपके रेड सेल की डिग्रेडेशन होती है एक्सोडेट के अंदर, और लास्टली आपको रेजोल्यूशन डेवलप हो जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया के अंदर सबसे पहले आता है कि आपको स्कैटर्ड पैची कंसोलिडेशन हमें नज़र आती है, और सेंट्रल अराउंड द ब्रोंकियोल्स। मल्टीफोकल होता है और ये बायलैटरल होता है, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आगे हम टेबल अभी पढ़ते हैं। अब ब्रोंको निमोनिया का मतलब ये है कि आपको पैची कंसोलिडेशन होगी, कि पैच बने हुए होंगे और ज़्यादातर आपके ब्रोंकियोल्स के अराउंड होते हैं, तो इसीलिए इसे हमको हम ब्रोंकियोल नमूनिया कहते हैं। मल्टीफोकल होता है, बायोलैटरल होता है और बहुत सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अब इंटरस्टिशियल एटिपिकल नमूनिया क्या होता है? जो इंटरस्टिशियल एटिपिकल नमूनिया है, इसमें आपके डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स हमें मिलते हैं। इंटरस्टिशियल नमूनिया ना इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करेगा, तो ये डिफ्यूज नमूनिया होगा। पूरे के पूरे आपके लंग को डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स हमें मिलते हैं। हमें माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स मिलते हैं, मिनिमल स्पूटम मिलता है और लो ग्रेड फीवर होगा। एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से होता है। अब जो इंटरस्टिशियल नमूनिया है, इसको हम एटिपिकल नमूनिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया या वायरसेस दोनों की वजह से होता है। इसमें हमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट का स्पूटम भी कम होता है और साथ उसको जो फीवर होता है वो भी लो ग्रेड फीवर होता है, और इसमें पूरे के पूरे लंग के अंदर हमें इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल नमूनिया। जो ब्रोंको नमूनिया था वो आपके पैची कंसोलिडेशन थी, लेकिन ब्रोंकियोल्स के अराउंड होती है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और जो हमने पढ़ा था कि जो आपका पहला लोबार नमूनिया था, वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है 95% केसेस के अंदर, और क्लैबसिएला की वजह से होता है अदर केसेस में। उसके बाद आता है चौथा, एस्पिरेशन नमूनिया, जो कि अल्कोहलिक्स या कॉमाटोस पेशेंट के अंदर कॉमन होता है। इसमें एस्पिरेशन हो जाती है, क्योंकि जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि आपके ऑरोफेरिंक्स के अंदर होते हैं, बैक्टीरियोइडीज की वजह से, फ्यूजोबैक्टीरियम या फिर पेप्टोकोकस की वजह से, बैक्टीरियोइडीज की वजह से, फ्यूजोबैक्टीरियम या पेप्टोकोकस की वजह से, जो आपके ऑरोफेरिंक्स के एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से डेवलप हो जाता है एस्पिरेशन नमूनिया। और एस्पिरेशन नमूनिया ज़्यादातर अल्कोहलिक्स के अंदर या फिर कोमाटोज पेशेंट के अंदर होता है। अब यहाँ पे ब्रोंको नमूनिया शो किया हुआ है कि आपकी पैची कंसोलिडेशन हुई हुई है, लेकिन जो कि ब्रोंकियोल्स के अराउंड है। उसके बाद ग्रॉस अपेयरेंस के ऊपर भी ये पैची कंसोलिडेशन आपको शो की हुई है, ठीक है, पैची कंसोलिडेशन है जो कि ब्रोंकियोल्स के अराउंड होती है। उसके बाद जो इंटरस्टिशियल नमूनिया होता है, वो आपके एज अ होल लंग को इन्वॉल्व करता है, डिफ्यूज होता है, और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आपके इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करते हुए हमें नजर आते हैं। उसके बाद लोबार नमूनिया, हमने पढ़ा कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से या फिर क्लैबसिएला नमूनिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है, यूजुअली मिडिल एज अडल्ट्स या एल्डरली के अंदर होता है। मिडिल एज अडल्ट्स या एल्डरली में होगा कम्युनिटी की वजह से, कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से 95% केसेस के अंदर लोबार नमूनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। सेकेंड आता है हमारे पास क्लैबसिएला नमूनिया। क्लैबसिएला नमूनिया मैल नरिश्ड या फिर डिबिलिटेटेड इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, स्पेशली अल्डरली के अंदर होता है, जो कि नर्सिंग होम्स के अंदर होते हैं, अल्कोहलिक्स में या डायबेटिक्स के अंदर होता है, क्योंकि एंटायर फ्लोरा जो होती है वो उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। थिक म्यूकॉइड कैप्सूल रिजल्ट इन जिलाटिनस स्पूटम। इसमें हमें जो इसका थिक म्यूकॉइड कैप्सूल होने की वजह से हमें जिलाटिनस या क्रॉन जेली जैसे स्पूटम आता है, और इसमें एब्सेस भी बन जाती है। क्लैबसिएला नमूनिया की जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें क्रॉन जेली की तरह का थिक जिलाटिनस स्पूटम हमें मिलता है, क्योंकि इसका थिक म्यूकॉइड कैप्सूल होता है। ये एल्डरली के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर जो होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है, मैल नरिश्ड या फिर डिबिलिटेटेड इंडिविजुअल्स के अंदर कॉमन होता है, अल्कोहलिक्स में कॉमन होता है या फिर डायबिटिक्स में कॉमन होता है। नाउ दैट इज ब्रोंको नमूनिया। ब्रोंको नमूनिया हमारे पास स्टाफ ऑलियस की वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, सुडोमोनास एरोजिनोजा की वजह से, मोरेक्सेला कैटोरालिस की वजह से, या फिर लीजनेला निमोफिलिया की वजह से। स्टाफ लोगों को ऑरियस आपकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है सेकेंडरी नमूनिया की,
बैक्टीरियल नमूनिया जो कि सुपर इम्पोज होता है उन अपर वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय एब्सेस एंड एम्फिसीमा एम्पायमा. ठीक है, इसमें एब्सेस और एम्पायमा भी हो सकता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है जो कि सेकेंडरी नमूनिया कराते हैं. सेकेंडरी नमूनिया के पहले उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई और वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, दैट इज स्टैफ ऑरियस, और ये ब्रोंको नमूनिया कराता है. सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लोबार नमूनिया कराते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और दूसरा क्लैबशेरिया नमूनिया. क्लैबशेरिया नमूनिया भी क्रॉन जली स्पूटम प्रोड्यूस करता है और जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया था वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है, और जो क्लैबशेरिया वाला होता है वो मैलनरिश्ड के अंदर होता है या फिर आपके डिबिलिटेटेड पेशेंट्स के अंदर होता है, एल्डरली के अंदर, डायबिटिक के अंदर या फिर अल्कोहलिक्स वगैरह. अब जो स्टैफ ऑरियस था, स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन आपका सेकेंडरी नमूनिया है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर वायरल इन्फेक्शन हुई हुई है तो उसके बाद आपको ये डेवलप हो जाता है और इसमें एब्सेस या एम्पायमा भी डेवलप हो जाता है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आपकी कॉमन कॉज है सेकेंडरी नमूनिया की ही और नमूनिया इन सीओपीडी पेशेंट्स. ठीक है, क्योंकि सीओपीडी के अक्सर पेशेंट कराते हैं और सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नमूनिया कराता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर सुडोमोनास एरिजिनोसा नमूनिया कराता है और मेलिक्जेला कैटरालिस कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और नमूनिया कराता है सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर ही. ठीक है, सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर भी और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया भी कराता है जो मेलिक्जेला कैटरालिस है. जो लीजनेला निमोफिलिया है ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कराता है, ये नमूनिया जो सुपरपोज्ड वाले सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर ही बाद में नमूनिया करा देता है. ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स के अंदर नमूनिया कराता है. ये वाटर सोर्स से ट्रांसमिट होता है, पानी से ट्रांसमिट होगा और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको हम सिल्वर स्टेन से विजुलाइज करते हैं. लीजनेला निमोफिलिया को हम सिल्वर स्टेन से विजुलाइज करते हैं. ये आपके वाटर सोर्स से ट्रांसमिट होता है और सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया वाले पेशेंट्स के अंदर ये लीजनेला निमोफिलिया नमूनिया कराता है. ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है हमारे पास कॉज ऑफ इंटरस्टीशियल नमूनिया. या जो एटिपिकल नमूनिया होता है वो माइकोप्लाज्मा नमूनिया कराता है, क्लाइमेडिया नमूनिया कराता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस आते हैं, हमने पढ़ा था इसमें बैक्टीरिया वायरसेस दोनों होंगे, साइटोमेगालो वायरस आता है, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है और कॉक्सिलिया बर्निटा आता है. अच्छा अब आ जाएगा माइकोप्लाज्मा नमूनिया. जो माइकोप्लाज्मा नमूनिया होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज है आपके एटिपिकल नमूनिया की, मोस्ट कॉमन कॉज है एटिपिकल नमूनिया की जो कि यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है. ज़्यादातर मिलिट्री रिक्रूट्स के अंदर होता है या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर होता है जो कि किसी भी डॉर्मेट्री में रह रहे होते हैं. ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटी एनीमिया करा सकता है जो आपका माइकोप्लाज्मा नमूनिया होता है, क्योंकि आईजीएम आईएफ1 एंटीजन के अगेन और आरबीसीज कॉज कोल्ड ह्यूमिलिटी एनीमिया. और एरिथिमा मल्टीफॉर्म कराता है जो कि हमें ग्राम स्टेन के ऊपर, इसकी सेल वॉल नहीं होती है तो हमें ग्राम स्टेनिंग के ऊपर नज़र भी नहीं आता है. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग अगर हम कराएंगे तो माइकोप्लाज्मा नमूनिया में नज़र नहीं आता है. यंग एडल्ट्स के अंदर नमूनिया कराता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है एटिपिकल नमूनिया की. कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर, मिलिट्री रिक्रूट्स के अंदर कराता है. इस कॉम्प्लिकेशन में ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटी की एनीमिया करा देता है, क्योंकि जो आईजीएम जो होती है, हीमोग्लोबिन एम जो होती है, वो आई एंटीजन के अगेंस्ट जो आरबीसीज के ऊपर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती है और आपको कोल्ड हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है. साथ पेशेंट एरिथेमा मल्टीफॉर्म के साथ भी प्रेजेंट करता है, इसकी सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा नमूनिया की, तो इसलिए हमें ग्राम स्टेनिंग के ऊपर नज़र नहीं आता है. क्लाइमेडिया नमूनिया सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एटिपिकल नमूनिया की यंग एडल्ट्स के अंदर. अब देखो जो एटिपिकल नमूनिया है जो कि इंटरस्टीशियल नमूनिया होता है जो पूरे इंटरस्टीशियम को अफेक्ट करता है, डिफ्यूज अफेक्ट करता है, वो यंग एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है. रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस आपका इन्फेंट्स के अंदर कराता है, लेस देन वन ईयर ऑफ एज के बच्चों के अंदर. साइटोमेगालो वायरस आपका ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है, कोई भी इम्यूनोसप्रेस ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जब हम दे रहे होते हैं तो उसके अंदर साइटोमेगालो वायरस आपको एटिपिकल नमूनिया करा देता है. इन्फ्लुएंजा वायरस एटिपिकल नमूनिया कराता है एल्डरली के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर और जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोई ना कोई लंग डिजीज होगी. और साथ इसमें सुपर पोज स्टाफ ऑरियस की या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बैक्टीरियल नमूनिया की भी इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है वो भी सुपर इम्पोज नमूनिया कराता है. ठीक है, और सेकेंडरी नमूनिया कराता है, तो सेकेंडरी नमूनिया स्टाफ ऑरियस भी करा रहा है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी करा रहा है. तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस वाले पहले से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके अंदर फिर सुपर पोज होकर आपका स्टाफ ऑरियस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी नमूनिया करा देता है. ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो नमूनिया कराता है वो एल्डरली के अंदर कराता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर कराता है और वो जिनको पहले से कोई ना कोई लंग डिजीज होती है. अब कॉक्सिलिया बर्निटा क्या होता है, कॉक्सिलिया बर्निटा के अंदर आपको एटिपिकल नमूनिया होगा, साथ इसके अंदर हाई फीवर या क्यू फीवर डेवलप हो जाता है जो कि ज्यादातर फार्मर्स के अंदर या फिर
वेटिनेरियंस के अंदर हो जाता है, कॉक्सेला के जो स्पोर्स होते हैं वो कैटल के अंदर होते हैं बाय द टिक्स एंड आर प्रेजेंट इन द कैटल प्लेसेंटास। ठीक है, कॉक्सेला के जो स्पोर होते हैं वो कैटल्स के थ्रू कैटल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर कैटल के प्लेसेंटास के अंदर होते हैं। जो कॉक्सेला होता है रिकिट्सियल ऑर्गेनिज्म होता है, और ये मोस्ट रिकिट्सी से डिस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये नमूनिया कराता है और इसके लिए आर्थ्रोपोड वैक्टर या फिर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसके हाईली हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स होते हैं और ये स्किन रैश भी प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, कॉक्सेला बर्निटा स्किन रैश भी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये आपका आर्थ्रोपोड वेक्टर की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है और ये नमूनिया कॉज कराता है, इसको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी वेक्टर की। और जो कॉक्सेला है ये रिकेट्सियल ऑर्गेनिज्म है, ये क्यू फीवर कराता है, फार्मर्स के अंदर कराता है, वेटरनेरियंस के अंदर कराता है, और स्किन रैश भी प्रोड्यूस नहीं करता है कॉक्सेला। उसके बाद आ जाती हैं क्लासिकली राइट लोअर लोब एब्सेस। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे थे ना कि इन एस्पिरेशन नमूनिया था, वो हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजली इन्वॉल्व करता है, इसमें आपके जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अल्टीमेटली अफेक्ट कर देते हैं। तो इसमें आपका आता है बैक्टीरियोइडीज आ रहा था, फ्यूजोबैक्टीरियम आ रहा था, और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस आ रहा था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आता है हमारे पास कि क्लासिकली जो होते हैं ना हमारे पास लोअर राइट लोअर लोब एब्सेस बनाता है, राइट लोअर लोब के एब्सेस बनाते हैं, और जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस ब्रांचेज एट द एक्यूट एंगल इन द लेफ्ट एंगल। एनाटॉमिकली जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस होता है ना वो एक लेस एक्यूट एंगल के ऊपर ब्रांच कर रहा होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। तो राइट लोअर लोब की एब्सेस बन जाती है एस्पिरेशन नमूनिया के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये इनहेलेशन की वजह से होती है, जब आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इनहेल कर लेते हो। ठीक है, इनहेलेशन की वजह से होता है। प्राइमरी टीबी होती है जो इनिशियल एक्सपोजर से अराइज करती है, और एक सेकेंडरी टीबी होती है जो कि रीएक्टिवेशन से अराइज करती है। ठीक है, प्राइमरी टीबी आपकी इनिशियल एक्सपोजर से होगी, सेकेंडरी टीबी आपकी रीएक्टिवेशन से होती है। जो प्राइमरी टीबी होती है वो फोकल होती है, केशिंग नेक्रोसिस होगी, आपके लोअर लोब को अफेक्ट करती है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी क्योंकि हाइलर लिम्फ नोड्स की आपकी जो है वो फाइब्रोसिस होती है, साथ कैल्सिफिकेशन हो जाती है और गॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो प्राइमरी टीबी होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन और पॉजिटिव आपको जो पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट हमें मिलता है इसके अंदर, और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ना इसमें पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट हमें मिलता है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, गॉन कॉम्प्लेक्स मिलता है। प्राइमरी टीबी के अंदर आपके लोअर लोब को अफेक्ट करती है, हाइलर लिम्फ नोड्स जो उनकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, हाइलर लिम्फ नोड्स की फाइब्रोसिस हो जाती है, प्राइमरी टीबी इनिशियल एक्सपोजर के बाद होती है। और जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो इनहेलेशन की वजह से होती है, जब आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इनहेल करते हो। उसके बाद सेकेंडरी टीबी आती है जिसमें आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की रीएक्टिवेशन होती है। जो रीएक्टिवेशन होती है वो कॉमन होती है एड्स की वजह से। अगर किसी ऐसा पेशेंट जिसका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और एजिंग वाले पेशेंट्स के अंदर हो सकती है, या फिर आपकी, और ये जो होता है ना, अब जो प्राइमरी टीबी थी वो आपके लोअर लोब का अफेक्ट कर रही थी, उसमें गॉन कॉम्प्लेक्स बना था हाइलर लिम्फ नोड्स की फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन से। अब जो सेकेंडरी टीबी होती है वो आपके एपिक्स ऑफ द लंग को अफेक्ट करती है, यहाँ पे हाई ऑक्सीजन टेंशन होती है, यहाँ पे कैवेट्री फोकाई ऑफ केशियस नेक्रोसिस होती है, लीडिंग टू द मिलरी पल्मोनरी टीबी और ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकोनमोनिया। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपको मिलरी पल्मोनरी टीबी भी कराती है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकोनमोनिया डेवलप हो जाता है। जो फीचर्स में क्या होता है, टीबी में बुखार हो जाता है, नाइट स्वेट्स, रात को ठंडे पसीने आते हैं, सांस जो है ना वो खांसी होगी जिसमें जो है वो बलगम आता है, और जो आपका जो स्पूटम होता है वो रेड कलर का होगा, हीमोप्टेसिस होती है, वेट लॉस होगा साथ पेशेंट का, केशिएटिंग ग्रैनुलोमास हमें मिलते हैं बायोप्सी के ऊपर, एसिड फास्ट वेसल स्टेन जब हम कराते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, और सिस्टेमिक स्प्रेड भी हो सकता है, ऑफन अकर्स कैन इन्वॉल्व द टिश्यू। कॉमन साइट जो आपकी मेनिंजीज के अंदर मेनिंजाइटिस करा देती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और किडनीज को अफेक्ट करती है, स्टीराइल पाई यूरिया होता है, और लंबर वर्टिब्रा के अंदर पॉट्स डिजीज कराती है। ठीक है, जो टीबी होती है वो आपके लंबर वर्टी को अफेक्ट करेगी, तो पॉट्स डिजीज डेवलप हो जाती है, आपकी किडनीज को अफेक्ट करती है, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करती है, किडनीज के अंदर आपका स्टीराइल पाई यूरिया कराती है, यूरिन के अंदर पस आना स्टार्ट हो जाती है, और मेनिंजाइटिस जो होता है ना वो डेवलप हो जाता है जब आपकी ब्रेन को अफेक्ट करती है। अब आती है COPD। COPD बेसिकली ग्रुप ऑफ डिजीजेज होते हैं जिसमें आपके एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और लंग्स जो होते हैं ना वो एम्प्टी नहीं हो पाते हैं, और एयर इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। ठीक है, आपकी बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है जो आपकी COPD होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी लंग की, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लंग आपके एयर जो आपके लंग्स के अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, FVC जो होती है ना हमारे पास, ठीक है, फोर्सफुल वॉल्यूम जो
FVC आपकी डिक्रीज कर जाती है, स्पेशली द फर्स्ट सेकंड ऑफ एक्सपिरेशन के अंदर, और रिजल्ट इन द FEV1 FEVC रेशियो. ठीक है, आपकी FEV1 FEVC रेशियो कम हो जाती है क्योंकि जो आपकी जो फर्स्ट सेकंड ऑफ एक्सपिरेशन होती है उसके अंदर आपकी जो फंक्शनल एक्सपिरेशन कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है. फोर्स एक्सपिरेशन कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है, जो आप खुद फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे होते हैं एयर को वो आपकी कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है. टोटल लंग कैपेसिटी तो आपकी इंक्रीज कर जाएगी एयर ट्रैपिंग की वजह से, लेकिन आपकी जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है. FEV1 FEVC रेशियो आपकी डिक्रीज कर जाती है. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होती है जो कि 3 महीने तक रहती है और 2 साल के अरसे तक. ठीक है, अगर आपको 3 महीने तक खांसी रह रही है मुसलसल 2 साल अरसे से, ठीक है, तो इसमें, और ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है आपके ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड्स की. ठीक है, जो ब्रोंकियोल के आपके म्यूसिनस ग्लैंड होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. तो आपके जो म्यूकस ग्लैंड की थिकनेस की वजह से क्या होता है, आपकी ब्रोंकियल वॉल थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, लीड्स टू द इंक्रीज थिकनेस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड रिलेटिव टू ओवरऑल ब्रोंकियल वॉल थिकनेस. ठीक है, रेड इंडेक्स आपका 50% से ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल आपका 40% से कम होता है. इसमें आपके जो ब्रोंकियोलर थिकनेस आपकी इंक्रीज कर जाती है जो आपके म्यूकस ग्लैंड होते हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस इंक्रीज कर जाती है. रेट इंडेक्स आपका 50% से ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली आपका 40% से कम होता है. इसमें जो आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोलर म्यूसिनस ग्लैंड होते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. अगर एक ऐसा बंदा जिसको 2 साल के अरसे से मिनिमम 3 महीने से उसको अगर खांसी रह रही है, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ रह रही है जिसमें स्पूटम भी आता है, प्रोडक्टिव कफ होती है. ठीक है, सिंपल ड्राई कफ नहीं होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी और स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होती है. यहाँ पे गोन कॉम्प्लेक्स ही शो किया हुआ है. ठीक है, जो लोअर लोब को अफेक्ट करता है, केशियटिंग ग्रैनुलोमा शो किए हुए हैं, जो इस बार बेसिलस स्टेनिंग शो की हुई है जो हमें नजर आती है एम्ब्लियोब्लास्टोसिस में. अच्छा, अब जो आपकी बेसिकली COPD थी इसमें प्रोडक्टिव कफ होगी. ठीक है, और प्रोडक्टिव कफ है इसका मतलब है कि म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, और इसी से हम याद रख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली आपको जो म्यूकस ग्लैंड हैं ब्रोंकियोल्स के उनकी ही हाइपरट्रॉफी हो रही है, उन्हीं की वजह से आपका जो ब्रोंकियोल की वॉल थिक हो रही है, ल्यूमिन कम हो रहा है, तो एयर की ट्रैपिंग अंदर ज़्यादा हो रही है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है. इसमें ब्लू ब्लॉटर्स हमें मिलते हैं, साइनोसिस डेवलप हो जाती है जब आपका म्यूकस प्लग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है. इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कोर पर्मनेल राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी डिवेलप हो सकता है. अब आते हैं एम्फिसीमा. अब एम्फिसीमा के अंदर बेसिकली सबसे पहले आता है, इसमें आपके जो एल्वियुलर लंग स्पेसिस होती हैं, एयर स्पेसिस होती हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं. इलास्टिक रिकॉइल का लॉस हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है आपके एयर वे का एक्सहेलेशन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी ऑब्स्ट्रक्शन और एयर ट्रैपिंग होती है. एम्फिसीमा भी ना आपका COPD के अंदर ही आता है. ठीक है, अब इसमें एम्फिसीमा में क्या होगा कि इलास्टिक रिकॉइल आपकी खत्म हो गई है, उसकी वजह से आपका एयर वे का कोलैप्स हो जाता है, आपस में चिपक जाते हैं जब आप एक्सहेल करते हो एयर को, तो उसकी वजह से आपको एयर अंदर ही ट्रैप कर जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन डिवेलप हो जाता है. ओके, सो एम्फिसीमा जो होते हैं ना, इसमें आपके एल्वियर स्पेसिस की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और आपका जो इलास्टिक रिक्वायर होता है उसका लॉस हो जाता है और आपके कोलैप्स हो जाता है आपके एयरवेज का और एक्सहेलेशन के दौरान, और ऑब्स्ट्रक्शन और एयर की ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है. अब इसमें जो मैकेनिज्म है वो ये होता है कि आपकी जो प्रोटीजेज और एंटी प्रोटीजेज होती हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है. लंग इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से रिलीज ऑफ प्रोटीजेज होता है न्यूट्रोफिल्स से और मैक्रोफेजेस से. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो होती है ना, वो आपकी प्रोटीजेज को न्यूट्रलाइज कर देती है. इन्फ्लामेशन के अंदर आपका रिलीज ऑफ प्रोटीजेज होता है न्यूट्रोफिल से और मैक्रोफेजेस से. मेन एग्जांपल, मेन जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो इम्बैलेंस होता है प्रोटीजेज और एंटी प्रोटीजेज का. अब एक्सेसिव इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से आपके एल्वियुलर एयर स्पेस सैक्स की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. स्मोकिंग आपका मोस्ट कॉमन कॉज होती है एम्फिसीमा की. जो पोल्यूटेंट्स होते हैं स्मोक के अंदर, उसकी वजह से आपकी एक्सेस इन्फ्लामेशन होती है और प्रोटीएज मीडिएटेड डैमेज भी बढ़ जाता है. इसकी वजह से हमें सेंट्री एसनर एम्फिसीमा होता है जो कि मोस्ट स्वेयर होता है अपर लोब्स के अंदर. सेंट्री एसनर एम्फिसीमा आपके अपर लोब्स के अंदर स्वेयर होता है. अब बेसिकली आपके प्रोटीजेस और एंटी प्रोटीजेस की इम्बैलेंस डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है और प्रोटीजेस का रिलीज होता है बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होती है वो न्यूट्रलाइज करती है आपकी प्रोटीजेस को, और एक्सेस इन्फ्लामेशन या फिर लैक ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपके एल्वियुलर सैक्स की. स्मोकिंग आपकी मोस्ट कॉमन कॉज है एम्फिसीमा की. पोल्यूटेंट्स होते हैं स्मोक के अंदर, उसकी वजह से एक्सेसिव इन्फ्लामेशन हो जाती है और प्रोटीएज मीडिएटेड डैमेज होता है. उसकी वजह अल्टीमेटली आपको सेंट्री एसनर एम्फिसीमा डेवलप हो जाता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है अपर लोब्स के अंदर. जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है वो रेयर कॉज है एम्फिसीमा की. बहुत कम ऐसे होता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो
जब एंटी प्रोटीजेस का लैक होता है उसकी वजह से तो एयर सैक्स जो होते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, उनका प्रोटीएज मीडिएटेड डैमेज बढ़ जाता है। अब जब प्रोटीएजेस की वजह से आपके एसिना का डैमेज स्टार्ट हो जाएगा या एल्बुलर सैक्स का डैमेज स्टार्ट हो जाएगा तो पैन एसिनर एम्फिसीमा डेवलप हो जाता है जो कि मोस्ट सिवियर होता है लोअर लोब्स के अंदर। ठीक है, अब जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की वजह से एम्फिसीमा हो रहा है वो आपके लोअर लोब्स के अंदर होता है, वो पैन एसिनर होता है, सारे एसिना को इन्वॉल्व करता है। लेकिन जो आपका एंटी प्रोटीएज या प्रोटीएज मीडिएटेड डैमेज की वजह से होता है वो आपका सेंट्री लोबुलर होता है, सेंट्री एसिनर होता है और साथ ही आपके अपर लोब्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से जो हो रहा है ना वो आपके अपर लोब्स को अफेक्ट करता है स्मोकिंग की वजह से। जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की वजह से होता है वो लोअर लोब्स का अफेक्ट करता है और पैन एसिनर एम्फिसीमा होता है। लिवर सिरोसिस भी हो सकती है इस तरह के पेशेंट के अंदर, जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होती है वो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मिस फोल्डिंग ऑफ द म्यूटेटेड प्रोटीन। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपकी म्यूटेटेड प्रोटीन्स की मिस फोल्डिंग हो गई है तो उसकी वजह से भी अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो म्यूटेंट अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन होती है एक्युमुलेट कर जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द हिपेटोसाइट्स के अंदर और उसकी वजह से आपको लिवर डैमेज डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जब अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी ना तो जो आपकी म्यूटेटेड अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है वो आपकी हिपेटोसाइट्स के अंदर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और आपको लिवर सिरोसिस भी कराती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के अंदर आपको लिवर सिरोसिस भी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह के एम्फिसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर अगर लिवर सिरोसिस हो रही है तो आपने सोचना है कि इनका अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है। बायोप्सी के ऊपर हमें पिंक पास पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स नजर आते हैं हिपेटोसाइट्स के अंदर, हिपेटोसाइट्स के अंदर हमें पास पॉजिटिव पिंक ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, ग्लोब्यूल्स नजर आते हैं। डिजीज़ की सिवेरिटी होती है वो डिपेंड करता है कितनी आपकी अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है। जो PIM होती है वो नॉर्मल अलील होता है, इसकी दो कॉपीज होती हैं PIMM। ठीक है, अब जो PIZ होता है ना वो आपका मोस्ट कॉमन क्लिनिकली रेलेवेंट म्यूटेशन होती है, रेलेवेंट म्यूटेशन होती है PIZ के अंदर। सिग्निफिकेंटली लो लेवल्स होते हैं इसके, लो लेवल्स ऑफ अगर आपके अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी का कम हो डेफिशिएंसी हो या अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के लेवल कम हो तो फिर हमें PIZ के लेवल लो नजर आते हैं। जो PIMC होती है वो हेटरोजाइगोट फॉर्म होती है जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इसके अंदर डिक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल्स होते हैं अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के, लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क होता है कि एम्फिसीमा हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। अगर स्मोकिंग वो करता रहेगा और उसके PIMZ अलील है उसके अंदर तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसको हो जाएगा। नॉर्मल आपका अलील PIM है, ठीक है, PIMM जो होता है आपके दो अलील होते हैं, जो PIZ होता है वो आपकी म्यूटेटेड फॉर्म होती है, जो PIMZ होती है वो हेटरोजाइगोट फॉर्म होती है, हेटरो जो है ना वो जायगोट फॉर्म होती है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ये, लेकिन इनमें चांस होता है कि ये डेवलप कर सकते हैं एम्फिसीमा को अगर ये स्मोकिंग करते रहेंगे क्योंकि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है इनके अंदर कम होती है। जो PIZZ होती है वो होमोजाइगोट फॉर्म होती है, इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है कि उनको पैन एसिनर एम्फिसीमा होगा, साथ उनको सिरोसिस भी डेवलप हो सकती है। अब जो PIZZ वाले हैं ना उनको एम्फिसीमा भी डेवलप हो सकता है और साथ उनको सिरोसिस भी हो जाएगी। सिरोसिस वही कि जब अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन आपके हिपेटोसाइट्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है हिपेटोसाइट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो लिवर डैमेज कराती है, म्यूटेटेड फॉर्म जो होती है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की। क्लिनिकल फिंचर एम्फिसीमा के अंदर वही डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, साथ उसको स्पूटम आएगा लेकिन मिनिमल स्पूटम होगा और इसमें हमें पिंक पफर्स मिलते हैं जो कि प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन विद पर्स्ड लिप्स। ठीक है, जब वो पर्स्ड लिप्स से मुंह मतलब लिप्स दबा के एक्सपायर करते हैं, जोर से एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं तो हमें पिंक पफर्स मिलते हैं इसके अंदर। डिस्निया होता है, कफ आता है लेकिन मिनिमम स्पूटम होगा। एम्फिसीमा यहाँ पे शो किया हुआ है, ग्रॉस अपेयरेंस माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस ठीक हो गया। उसके बाद एम्फिसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट का डायमीटर ज्यादा हो जाता है, बैरल चेस्ट हो जाती है और हाइपोक्सीमिया होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिलरीज इन द एल्वियोल्स है और कोर पल्मोनेलिस की लेट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कोर पल्मोनेल डेवलप हो सकता है जो कि आपका राइट साइड हार्ट फेलर होता है, साथ इसमें हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाता है। हाइपोक्सीमिया इसलिए डेवलप होता है क्योंकि आपके जो एल्वियोलर सैक्स हैं उसके अंदर कैपिलरीज की डिस्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल है वो कम हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा सकेगी ब्लड के अंदर, क्योंकि कैपिलरीज आपकी डैमेज होंगी एल्वियोलर सैक्स की जहाँ से आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा था। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो जोर से एक्सपायर करता है, बैरल चेस्ट हो जाती है एम्फिसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर, साथ उनका वेट लॉस भी होता है और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन हो जाती है पर्स लिप्स के थ्रू तो पिंक पफर्स हमें मिलते हैं और डिस्निया डेवलप हो जाएगा, साथ इसमें कफ होगी लेकिन मिनिमल स्पूटम आता है। उसके बाद आता है एस्मा। अब एस्मा में आपकी रिवर्सिबल एयरवे ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन होती है जो कि एलर्जिक स्टिमुलाई की वजह से होती है जिसे हम टाइप वन हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। इसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आपके ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे जो कि रिवर्सिबल होगी, टाइप वन हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से होता है, बच्चों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होती है और एलर्जिक राइनाइटिस के साथ, एक्जिमा के साथ या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है एटॉपिक की तो उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है।
पैथोजेनिस के अंदर एलर्जन जो होते हैं वो TH2 हेल्पर सेल्स जो होते हैं फिनोटाइप होते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, TH2 फिनोटाइप जो होता है CD4 पॉजिटिव टी सेल्स का जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है, इंड्यूस करते हैं TH2 सेल्स, TH2 फिनोटाइप को CD4 हेल्पर टी सेल्स के, ठीक है। अब जो TH2 हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 को सिक्रीट करते हैं जो कि आपके स्विच कर जाते हैं IgE की अंदर, और इंटरल्यूकिन 5 को सिक्रीट करते हैं जो कि ईओसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करती है, और इंटरल्यूकिन 10 को सिक्रीट करते हैं जो कि स्टिमुलेट करती है मजीद हेल्पर TH2 सेल्स को और इनहिबिट करती है TH1 सेल्स को, ठीक है। अब TH2 सेल्स ने इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 को सिक्रीट किया, 4 ने आपके क्या किया IgE को की प्रोडक्शन करा दी, ठीक है, स्विच कर दिया क्लास को टू IgE। 5 ने जब आपके ईओसिनोफिल्स को, ठीक है, सारे जो आपके बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के अंदर चीज़ें होती हैं वो आना स्टार्ट होंगी, और 10 ने क्या किया TH2 को ही ज़्यादा स्टिमुलेट किया और 1 को जो है वो इनहिबिट कर दिया। अब जब री एक्सपोजर होता है एलर्जन का जो कि इसकी वजह से IgE मीडिएटेड एक्टिवेशन हो जाती है आपके मास सेल्स की, जब दोबारा से एक्सपोजर होगा एलर्जन के साथ जो रिलीज्ड होते हैं आपके प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स और जनरेशन होती है ल्यूकोट्राइन C4 बनता है, ED4 बनता है, E4 बनता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, इन्फ्लामेशन होती है और एडिमा डिवेलप हो जाता है। इसे हम कहते हैं अर्ली फेज रिएक्शन। ये तो एक रिएक्शन हो गया कि जब आपका दोबारा से एक्सपोजर हुआ तो जो आपके ग्रैन्यूल्स थे वहाँ से आपकी हिस्टामिन रिलीज हुई, ठीक है, और साथ आपके ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 रिलीज हुए जिन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा दी, ब्रोंकियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करा दिया, साथ इन्फ्लामेशन वहाँ पे करा दिया और साथ एडिमा हो गया। इसे हम कहते हैं अर्ली फेज रिएक्शन। अब दूसरा होता है आपके इन्फ्लामेशन, अब होगी वहाँ पे प्रॉपर इन्फ्लामेशन होगी, मेजर बेसिक प्रोटीन होती है जो कि आपकी ईओसिनोफिल्स से आती है और ये मजीद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराती है। इसे हम कहते हैं लेट फेज रिएक्शन। अब लेट फेज रिएक्शन में ईओसिनोफिल्स होते हैं जो कि मेजर बेसिक प्रोटीन को रिलीज करते हैं डैमेज सेल से, या आपके ईओसिनोफिल्स से आपकी जो है वो मेजर बेसिक प्रोटीन रिलीज होती है। मेजर बेसिक प्रोटीन्स की वजह से लेट फेज रिएक्शन आता है जिसमें आपके मजीद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब एम्फिसीमा के जो एस्मा होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स एपिसोडिक होते हैं और ये एलर्जन के एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, साथ उसको वीजिंग हो जाएगी कि सांस लेगा तो हमें सीटियों की आवाज़ आएगी जिसे हम वीजिंग कहते हैं। खांसी जो होगी उसको बलगम के साथ होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी, साथ इसमें स्पायरल शेप्ड हमें म्यूकस प्लग्स मिलते हैं, कर्शमैन स्पायरल्स हम कहते हैं जब उसको हम एग्जामिन करेंगे, और साथ हमें ईओसिनोफिल लेडन क्रिस्टल्स मिलते हैं, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स कहते हैं। ये दो पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने कि जब भी आस्मा आएगा उसमें कर्शमैन स्पायरल्स हमें मिलते हैं जो कि म्यूकस के प्लग्स होते हैं, ठीक है, स्पायरल शेप्ड म्यूकस के प्लग्स होते हैं, कर्शमैन स्पायरल्स कहते हैं, ठीक है, और ईओसिनोफिल्स डिराइव्ड क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो हमारे चारकोट लेडन क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, बस उनके नाम रहती है कि जो ईओसिनोफिल्स से जो क्रिस्टल उसको चॉकलेट लेडन क्रिस्टल्स कहते हैं, और जो आपके म्यूकस प्लग के स्पायरल्स हैं उनको हम कर्शमैन स्पायरल्स कहते हैं। ये दोनों हमें स्पूटम के अंदर मिलते हैं एस्मा वाले पेशेंट्स के। एस्मा जो है वो नॉन एलर्जिक कॉजेज से भी अराइज कर सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से, वायरल इन्फेक्शन से, एस्पिरिन से, जैसे एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्मा भी कहते हैं, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स के अंदर एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्मा में पढ़ा था कि नेजल पॉलिप्स भी साथ हो जाते हैं। एक्सरसाइज की वजह से भी एस्मा हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी एस्मा हो सकता है, और इवन आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से भी एस्मा हो सकती है जिसमें नॉन एलर्जिक कॉजेज आती हैं। उसके बाद आती है ब्रोंकियेक्टेसिस। ब्रोंकियेक्टेसिस में आपकी एक्टेसिस मीन डायलेशन, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल ब्रोंकाय की डायलेशन हो गई है, परमानेंट डायलेशन हो जाती है आपके ब्रोंक्योल्स की, ब्रोंकाय की, और इसमें जो एयरवे की टोन होती है वो लॉस हो जाती है और एयर ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है। अब ड्यू टू नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है, विद द डैमेज टू द एयर वॉल्स कॉजेज इंक्लूड। अब आपकी जब कोई भी नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन होगी जिसने आपकी वेसल की जो आपकी एयरवे की वॉल्स है उनको डैमेज कर दिया है तो उसके अंदर आपकी बेसिकली ब्रोंकियेक्टेसिस डेवलप हो जाती है। सबसे जो मेन कॉजन है ब्रोंकियेक्टेसिस की वो आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर भी आपकी एयरवे वॉल डैमेज होता है और हमें ब्रोंकियेक्टेसिस डेवलप हो जाती है। सेकंड आता है कार्टेक्नर सिंड्रोम। कार्टेक्नर सिंड्रोम आपका एक इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है डाइनिन आर्म का जो कि सीलिया की मूवमेंट के लिए नेसेसरी होती है। इनहेरिटेड डिफेक्ट हो डाइनिन आर्म का जो कि सीलिया की मूवमेंट के लिए नेसेसरी होती है पेशेंट को, साइनोसाइटस, इनफर्टिलिटी, क्योंकि आपके स्पर्म्स की भी मोटिलिटी, सीलिया नहीं काम करे ना तो साइनोसाइटस हो जाएगा क्योंकि म्यूकस प्लग ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो जाएगी क्योंकि आपके स्पर्म की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि सीलिया नहीं है। साइटस इनवर्सस इनको होता है, इनका जो मेजर ऑर्गन होते हैं वे रिवर्स होते हैं, ठीक है, हार्ट जो उनका राइट साइड के ऊपर होगा, लिवर उनका लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, इस तरह उनके जो ऑर्गन होते हैं उनकी प्लेसमेंट ऑपोजिट हो जाती है। ट्यूमर हमें मिलता है या फॉरन बॉडी की वजह से भी ब्रोंकियेक्टेसिस हो सकती है, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन के अंदर ब्रोंकियेक्टेसिस हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे शो पहले से हम कंप्लीट कर लेते हैं जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस भी होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ABPA, ठीक है, ABPA एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एस्पर्जिलस आपकी जो एक फंजाई होती है उसका, इसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज होगा, ये हमें
उन तरह के सिस्टिक फाइब्रोसिस या एजमा वाले पेशेंट्स के अंदर में मिलती है कि इनको एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस डेवलप हो जाती है। अब जो ब्रोंकियाक्टेसिस होगी ना, इसमें ब्रोंकियोल्स डायलेट हो गए हैं, ठीक है, इसमें म्यूकस भी अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को कफ होगी, डिस्निया होगा, फॉल्स स्मेलिंग स्पूटम आता है, ठीक है, स्पूटम होगा लेकिन स्पूटम की स्मेल बहुत गंदी होगी। कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोक्सीमिया डेवलप हो सकता है, कोर पर्मोनल हो सकता है, या फिर सेकेंडरी एमेलॉयडोसिस भी हो सकती है। सेकेंडरी एमेलॉयडोसिस में एक एमेलॉयड्स की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है ब्रोंकियाक्टेसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, साथ उनको हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे शो किया हुआ कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आपकी जो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है हेपेटोसाइट्स के अंदर, लिवर डैमेज और लिवर सिरोसिस भी कराती है। एंटी पोस्टीरियर डायमीटर आपका ज़्यादा हो जाता है एम्फिसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर, और ये चारकोट लेडन क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं एजमा के अंदर, ठीक है, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स हमें नजर आते हैं एजमा के अंदर, जो बेसिकली इयोसिनोफिल्स डार्क क्रिस्टल्स होते हैं। उसके बाद आती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, ठीक है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस थी उसके अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, सब कौन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर सबसे पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ा, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्टिव कफ होती है, ब्लू ब्लॉटर्स हमें मिलते हैं, और एम्फिसीमा पढ़ा जिसमें पिंक पफर्स हमें मिलते हैं। उसके बाद हमने एजमा पढ़ा, एजमा एलर्जिक रिएक्शन होता है, टाइप वन हाइपरसेंसिटिविटी होती है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। उसके बाद हमने ब्रोंकियाक्टेसिस पढ़ी जिसमें आपके ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई की परमानेंट डायलेशन हो जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्टेक्नर सिंड्रोम, ट्यूमर, फॉरेन बॉडी, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन या एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस के अंदर ब्रोंकियाक्टेसिस डेवलप हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में आती है कैरेक्टराइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्टिव फिलिंग ऑफ द लंग, ठीक है, इसमें अब जो लंग की फिलिंग नहीं होगी, इसमें टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पढ़ी थी उसमें आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी थी वो ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आपकी एयर की ट्रैपिंग हो रही थी, उसमें जो FEV1 और FEVC जो होती है इसमें डिक्रीज कर जाती है और जो FEVC रेशियो होती है इज इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि रेशियो तो डिक्रीज करी है लेकिन जो आपकी FEVC होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है लेकिन आपकी रेशियो डिक्रीज कर जाती है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज थी उसके अंदर FEV1 और FEVC जो रेशियो थी वो आपकी डिक्रीज कर रही थी क्योंकि उसमें आपकी जो FEVC होती है FVC होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो है ना वो इंटरस्टिशियल डिजीजेज होती हैं आपके लंग की, मे ऑल्सो राइज विद द चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज। अब जो मोस्ट कॉमन होता है ये इंटरस्टिशियल लंग की वजह से आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होती हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियम जब आपको इन्वॉल्व होता है और अगर आपके चेस्ट वॉल की एबनॉर्मलिटीज़ हैं जैसे कि अगर आपको मैसिव ओबेसिटी डेवलप हो गई है तो उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है, जो फिलिंग कैपेसिटी होती है वो लंग की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि लंग के अंदर एयर ही नहीं जा पाती है, फिलिंग कैपेसिटी कम हो गई है। अब इसमें सबसे पहले आती है आईपीएफ में आती है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कि आपके लंग की फाइब्रोसिस हो गई है। फाइब्रोसिस होगी तो भी हमें पता है कि ऑब्वियसली एयर अंदर नहीं जा सकेगी, इलास्टिसिटी लॉस होगी तो एयर नहीं जा सकेगी। अब इलास्टिसिटी आपकी लॉस हो गई जाती है, इसमें फाइब्रोसिस जाती है आपके इंटरस्टीशियम लंग के इंटरस्टीशियम की, एटियोलॉजी अननोन है, और इसमें साइक्लिक लंग इंजरी होगी, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो कि आपके इंजर्ड न्यूमोसाइट से आता है वो इंड्यूस कराता है फाइब्रोसिस को, ठीक है। इंजर्ड न्यूमोसाइट से आपके ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है वो फाइब्रोसिस कराता है। सेकेंडरी कॉजेज इंटरस्टीशियल फाइब्रोसिस की, इसमें ड्रग्स आ सकती हैं जिसमें ब्लियोमाइसिन आती है और एमिडोरोन आती है, और रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी आपको आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आती है, ठीक है। जो आपको आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है वो आपको ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है जिसमें आपकी ब्लियोमाइसिन आती है, ब्लियोमाइसिन की वजह से हो सकती है आपको एम्योडोरोन, ठीक है, एम्योडोरोन की वजह से हो सकती है, या फिर जो आपका TGF बीटा होता है ना, TGF बीटा, ठीक, वो आपके इंजर्ड न्यूमोसाइट से रिलीज होता है और वो फाइब्रोसिस कराता है, या ऐसे पेशेंट जिनको रेडिएशन एक्सपोजर हुआ जैसे कैंसर वगैरह के लिए जब रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो रेडिएशन की वजह से भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। पेशेंट को प्रोग्रेसिव वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, साथ खांसी होगी, फाइब्रोसिस हमें नजर आती है सीटी स्कैन के ऊपर लंग का। जब हम सीटी स्कैन कराते हैं पहले हमें सब प्लूरल पैचेस नजर आते हैं बट इवेंचुअली रिजल्ट इन द डिफ्यूज फाइब्रोसिस, ठीक है, एंड एंड स्टेज हनीकॉम लंग डेवलप हो जाता है। पहले क्या होगी, हमें सब प्लूरल पैचेस नजर आते हैं, प्लूरा के नीचे हमें सब प्लूरल पैचेस नजर आएंगे, ठीक है, सब प्लूरल पैचेस के बाद जो है वो हमें डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो जाती है, पूरा का पूरा जो आपका लंग है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलती है, हमें हनी कॉम अपेयरेंस मिलती है, ठीक है, हनी कॉम अपेयरेंस मिलेगी, जो फाइब्रस बैंड्स दरमियान में आपको नजर आ रहे होंगे उसकी वजह से आपके लंग की हनी कॉम अपेयरेंस हो जाती है। और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, लंग को ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इसका जो है वो हल होता है, आपने ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है। उसके बाद आती है निमोकोनियोसिस, निमोकोनियोसिस में आपकी बेसिकली इंटरस्टीशियल फाइब्रोसिस जो होती है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से, और इसके लिए आपको क्रॉनिक एक्सपोजर चाहिए होता है आपके स्मॉल पार्टिकल्स का जो कि फाइब्रोजेनिक होते हैं, जैसे कि एल्विल मैक्रोफेजेस जब उनको एनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और फिर उसके बाद फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। निमोकोनियोसिस के अंदर आपके ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आता है, इसका टेबल है वो भी हम आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है।
चलें पहले हम टेबल ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम साइकोडोसिस पे जाएंगे। पहले आता है निमोकोनियोसिस, कोल वर्कर निमोकोनियोसिस, जो कि कोयले की कानों में या कोल माइंस के अंदर काम करते हैं उनके अंदर होता है कार्बन डस्ट की वजह से। इसमें मैसिव एक्सपोजर होता है जिस वजह से आपकी ब्लैक लंग डेवलप हो जाता है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, इसे हम कहते हैं कैप्लान सिंड्रोम। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा कि लंग की भी फाइब्रोसिस जाती है, ब्लैक लंग डेवलप हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर कैप्लान सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। कैप्लान सिंड्रोम में क्या होगा कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, साथ उनका ब्लैक लंग हो जाता है या फिर उनको कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस डेवलप हो जाती है। और माइल्ड एक्सपोजर टू कार्बन, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन रिजल्ट इन एंथ्राकोसिस। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ द कार्बन लेडन माइक्रोफेजेस नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत कार्बन से एक्सपोजर हुआ है तो आपको कार्बन लेडन माइक्रोफेजेस, ठीक है, जो कार्बन से भरे हुए माइक्रोफेजेस होते हैं वो आपके लंग्स के अंदर में मिलते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंथ्राकोसिस। जो एंथ्राकोसिस होती है ना वो एसिम्प्टोमैटिक होती है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती है, इतने ज़्यादा सिम्टम्स भी कॉज नहीं करती है। सेकेंड आती है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस आपके सैंड ब्लास्टर के अंदर सिलिका, जहाँ पे सिलिका रेत होगी, ठीक है, सिलिका माइनर्स के अंदर होते हैं, फाइब्रोटिक नोड्यूल्स बन जाते हैं आपके अपर लोब ऑफ द लंग के अंदर। इसमें सिलिकोसिस की वजह से टीबी हो सकती है। सिलिका इंपेयर करती है आपके फेगोलाइजोम्स फॉर्मेशन बाय द मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब फेगोलाइजोम जो होते हैं ना वो नहीं बन पाते हैं मैक्रोफेजेस के थ्रू। ठीक है, फेगोलाइजोम नहीं बन पाएगा तो टीबी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं जिनको सिलिकोसिस होती है। सिलिकोसिस या जो रेत के साथ या फिर जो सिली सैंड ब्लास्टर्स के अंदर होते हैं, सिलिका माइनर्स के अंदर होते हैं, इसमें आपके लंग के अपर लोब के अंदर नोड्यूल्स बन जाएंगे, अपर लोब में नोड्यूल्स बन जाते हैं। उसके बाद आती है बेरीलियम। बेरीलियम में बेरीलोसिस हो जाती है। बेरीलियम जो होता है ना वो हमें माइनर्स में मिलता है या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में मिलता है। इसमें नॉन कैशेटिंग ग्रेनुलोमा मिलते हैं लंग्स के अंदर, हाइलर लिम्फ नोड्स और सिस्टेमिक ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये लंग कैंसर को बढ़ा देता है। बेरीलियम जो होता है ना, बेरीलियम बेरीलोसिस कराता है। बेरीलियम आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में होता है बेरीलियम, साथ आपके नॉन कैशेटिंग ग्रेनुलोमास कराता है, हाइलिफेडिनोपैथी कराता है और सिस्टेमिक ऑर्गन्स के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से लंग कैंसर भी डेवलप हो सकता है। लंग कैंसर भी डेवलप हो सकता है बेरीलोसिस के अंदर। एस्बेस्टोस, अब एस्बेस्टोस के फाइबर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर होते हैं, प्लम्बर्स या शिपयार्ड वर्कर्स होते हैं, प्लम्बर्स हो गए। ठीक है, एस्बेस्टोस जो होती है ना वो शिपयार्ड वर्कर्स के अंदर, ठीक है, जो शिपयार्ड वर्कर्स होते हैं या फिर जो प्लम्बर्स होते हैं या फिर जहाँ पे आपका ये कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एस्बेस्टोस होती है। इसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है लंग की भी, प्लूरा की भी। लंग के कार्सिनोमा मीजोथिलियोमा कराती है। लंग कार्सिनोमा मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मीजोथिलियोमा एक्सपोज इंडिविजुअल्स के अंदर। लियंस के अंदर में लॉन्ग गोल्डन ब्राउन कलर के फाइबर्स नजर आते हैं विद आयरन, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज, ठीक है, जो कंफर्म करती हैं एस्बेस्टोस के एक्सपोजर को। ठीक है, हमें गोल्डन ब्राउन कलर के ना फाइबर्स नजर आते हैं जो कि आयरन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। गोल्डन ब्राउन फाइबर नजर आएंगे विद आयरन, ठीक है, और एसोसिएटेड होते हैं आयरन के साथ, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज। एस्बेस्टोस बॉडीज जो होती है ना वो कंफर्म करती हैं एस्बेस्टोस की प्रेजेंस को। ये लंग कार्सिनोमा ज़्यादा कराता है एज कम्पेयर टू मीजोथिलियोमा, ठीक है, ये लंग की भी फाइब्रोसिस कराएगा और आपके प्लूरा की भी फाइब्रोसिस कराता है एस्बेस्टोस। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर, प्लम्बर्स के अंदर, शिपयार्ड वर्कर्स के अंदर होता है। उसके बाद हम पढ़े थे सार्कोइडोसिस। अब जो सार्कोइडोसिस होती है इसमें हमें नॉन कैशेटिंग ग्रैनुलोमास मिलते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर मिलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल्स को अफेक्ट करता है, इसकी टियोलॉजी अननोन होती है। CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स रिस्पॉन्स होता है टू अननोन एंटीजन। ग्रैनुलोमास मोस्ट कॉमनली आपके हाइलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं, लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कराते हैं। ठीक है, नॉन कैशेटिंग ग्रैनुलोमास होंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है सार्कोइडोसिस, अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल्स को अफेक्ट करता है, इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स का रिस्पॉन्स होता है किसी भी अननोन एंटीजन के लिए, हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कराते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक में हमें स्टेलेट इंक्लूजंस मिलती है, एस्टीरियॉइड बॉडीज। ठीक है, अब एक एस्बेस्टोस बॉडीज थी, अब इसमें हमें मिल रही हैं सार्कोइडोसिस के अंदर एस्टीरियॉइड बॉडीज जो होती हैं वो स्टेलेट इंक्लूजंस होती हैं, जो कि हमें जॉइंट सेल के अंदर नजर आती हैं, जो ग्रेनुलोमा के जॉइंट सेल्स होते हैं। ठीक है, अदर कॉमनली इन्वॉल्व जो टिश्यूज होते हैं इसमें यूविया के अंदर यूवियाइटिस कराते हैं, स्किन के अंदर कुटेनियस नोड्यूल्स या फिर एरिथेमा नोडोजम हो जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो योग्रेन सिंड्रोम को मिमिक करेगा कि वहाँ पर ड्राई माउथ, ड्राई आईज हो जाएंगी, और क्लिनिकल फीचर्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, साथ उसको कफ होगी जो कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। उसकी
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सार्कोइडोसिस के अंदर एस एंजाइम आपका ज़्यादा हो जाता है, एस एंजाइम ज़्यादा हो जाता है, और हाइपरकैल्सीमिया हमें मिलता है क्योंकि अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी जो होती है एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स की कन्वर्ट करती है वाइटामिन डी को एक्टिव फॉर्म के अंदर। स्टीरॉयड्स हम इसके ट्रीटमेंट में देते हैं और खुद ब खुद ही भी रिजॉल्व कर जाता है अक्सर विदाउट ट्रीटमेंट जो सार्कोइडोसिस होती है, ठीक है। सार्कोइडोसिस के अंदर हमें स्टीरॉयड बॉडीज मिलते हैं जिसको हम स्टेलेट इंक्लूजंस होती हैं जो हमें जॉइंट सेल ऑफ द ग्रैनुलोमा के अंदर मिलती हैं। पेशेंट को यूवीआइटिस हो सकता है जब आइस को इन्वॉल्व करेगा, स्किन के अंदर कुटेनियस नोड्यूल्स या फिर एरिथेमा नोडोजम डेवलप हो जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स के अंदर सार्कोइडोसिस सिंड्रोम का रिजेंबल करता है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, खांसी होती जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम होती है, इसमें एस एंजाइम आपका ज़्यादा हो जाता है। हाइपरकैल्सीमिया में मिलता है क्योंकि अल्फा वन कैल्शियम के लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी होती है ना एपिथेलॉइड हिस्टोसाइट्स की, वाइटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो हाइपरकैल्सीमिया में मिलता है और ट्रीटमेंट में हम स्टीरॉइड्स देते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आपका ग्रैनुलोमा का रिएक्शन होता है इनहेल ऑर्गेनिक एंटीजन से, ठीक है। इसे हम कहते हैं पिजन ब्रीडर लंग, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक एंटीजन्स को इनहेल करते हो जो बर्ड्स की बेसिकली फीसिस के अंदर होता है, जब आप उसको इनहेल करते हो तो उसकी वजह से आपको ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस डेवलप हो जाता है। इसे हम पिजन्स ब्रीडर्स लंग्स भी कहते हैं। पेशेंट बुखार के साथ, खांसी के साथ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करता है एक्सपोजर के कुछ घंटे बाद ही, ठीक है। और ये खुद बहुत ही ठीक हो जाता है जब आप एक्सपोजर को रिमूव करते हो, और इससे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस डेवलप हो सकती है अगर आपका क्रॉनिक एक्सपोजर रहेगा। ऐसे लोग जो कबूतर पालते हैं उनके अंदर हाइपरसेंसिटिविटी इम्यूनाइटिस डेवलप हो जाता है। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे ये शो किया हुआ है वही कि एस्बेस्टोस बॉडीज हमें मिल रही हैं। एस्बेस्टोस के अंदर सार्कोइडोसिस के अंदर नॉन केशेटिंग ग्रैनुलोमा होते हैं और स्टीरॉयड बॉडीज, ठीक है, स्टेलेट हमें बॉडीज नजर आती हैं, ठीक है, स्टेलेट इंक्लूड नजर आती हैं जॉइंट सेल ऑफ द ग्रैनुलोमा में। उसके बाद आती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है इसमें आता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना आपके पल्मोनरी सर्किट का जो हाई प्रेशर हो जाता है पल्मोनरी सर्किट के अंदर, मीन आर्टेरियल प्रेशर आपका 25 मिलीटर मर्क्यूरी होता है और नॉर्मल जो होता है ना वो आपका 10 मिलीटर मर्क्यूरी होता है, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर आपका 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो हाई प्रेशर हो जाता है आपके पल्मोनरी सर्किट के अंदर, ठीक है, 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है आपकी पल्मोनरी ट्रंक की स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर और इंट्रीमल की फाइब्रोसिस जाती है। प्लेक्सीफॉर्म लीन्स हमें नजर आते हैं सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज के अंदर। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जाती विद इवेंचुअल कोर पर्मनेल। पेशेंट को एक्सर्शनल डिस्निया होगा, राइट साइड हार्ट फेलर हो सकता है। ये दो तरह की पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो होती है यंग एडल्ट फीमेल्स के अंदर होती है, फेमिलियल फॉर्म्स होती हैं इसकी, और इसमें इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन आती हैं आपकी बीएम बम्पर जीन के अंदर, ठीक है, BMPR2 जीन के अंदर, जिसकी वजह से आपके वैस्कुलर स्मूथ मसल की प्रोलिफ्रेशन हो जाती है। जो सेकेंडरी होती है वो हाइपोक्सीमिया या COPD वाले या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर होती है, या फिर अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया पल्मोनरी सर्किट के अंदर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के अंदर होती है, इसमें रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी अराइज कर सकते हैं जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या आ जाएगी? प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर सबसे पहले आता है हाई प्रेशर इन द पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आपकी पल्मोनरी ट्रंक की हो गई है या स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है, पल्मोनरी आर्टरीज का जो स्मूथ मसल होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, या फिर आपकी जो इंटमा होती है पल्मोनरी आर्टरीज की उसकी फाइब्रोसिस हो गई है। प्लेक्सीफॉर्म लीन्स हमें नजर आते हैं, ठीक है, अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज होगी, और इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, और इवेंचुअल आपको राइट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। पेशेंट को जो है ना जब वो एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाती है, राइट हार्ट फेलियर वाले फीचर्स आते हैं। दो तरह की होती है, प्राइमरी होती है सेकेंडरी होती है। प्राइमरी यंग फीमेल्स के अंदर होती है और इटियोलॉजी नहीं पता, लेकिन फैमिलियल फॉर्म्स होती हैं जिसमें आपको जो एक BMPR2 जीन बम्पर जीन होता है उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो वैस्कुलर स्मूथ मसल होता है वो प्रोलीफ्रेट कर जाते हैं और हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी ऑलवेज किसी न किसी डिजीज़ की वजह से होती है, जिसमें आपकी COPD हो सकती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है, या फिर ऐसे जिसमें आपका जो पल्मोनरी सर्किट है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया, जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गई, और ये रिकरेंट एम्बोलिज्म के साथ भी एसोसिएट होती है। उसके बाद आता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आपका एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है। इसमें आपका डिफ्यूज डैमेज हो जाता है आपके एल्वुलर कैपिलरी इंटरफेस का, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज, ठीक है, आपका जो जहाँ पे आपके एल्वुलर और कैपिलरीज का जो इंटरफेस होता है ना उसका डैमेज हो जाता है, डिफ्यूज डैमेज होता है, इसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
जो आपका प्रोटीन रिच फ्लूड होता है उसका लीकेज होता है एडीमा और हायलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। प्रोटीन रिच फ्लूड का लीकेज होगा, ठीक है, आपके उसकी वजह से एडीमा डिवेलप हो जाता है प्रोटीन रिच फ्लूड के लीकेज की वजह से, और एक हायलिन मेम्ब्रेन डिवेलप हो जाती है एल्वोलाई के अंदर। पेशेंट को फीचर्स आते हैं हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस होती है विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू द थिकेंड डिफ्यूजन बैरियर एंड कोलैप्स ऑफ द एयर स्पेसिस, हम कहते हैं इंक्रीज सर्फेस टेंशन, और वाइट आउट हमें नजर आता है चेस्ट एक्सरे के ऊपर, ठीक है। अब बेसिकली इसमें सेकेंडरी टू द वैरायटी ऑफ डिजीजेस, अब भी सेकेंडरी भी हो सकती है जैक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सेप्सिस वाले पेशेंट में इन्फेक्शन, शॉक, ट्रॉमा, एस्पिरेशन, पैंक्रियाटाइटिस, डीआईसी, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड ड्रग्स। न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन होती है जो कि प्रोटीएज मीडिएटेड, जो वहाँ पे फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और फ्री रेडिकल मीडिएटेड डैमेज होता है टाइप 1 टाइप 2 न्यूमासाइट्स का, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हम अंडरलिंग कॉज को ट्रीट करते हैं वेंटिलेशन विद द पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी पीप से, ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर से वेंटिलेशन करते हैं, अंडरलिंग कॉज को ट्रीट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है आपके, डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है टाइप 2 न्यूमासाइट्स का, जिसकी वजह से स्कारिंग और फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसमें सबसे पहले तो आपके डिफ्यूज डैमेज हो रहा है जो आपका एल्वोलाई और कैपिलरी का इंटरफेस है, ठीक है, जहाँ पे आपके एल्वोलाई और कैपिलरी होती है उसके इंटरफेस का डिफ्यूज डैमेज होता है। अब उसकी वजह से आपका जो प्रोटीन रिच फ्लूड है ना वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, जब प्रोटीन रिच फ्लूड लीक होगा तो वहाँ पे आपको एक जगह एडीमा, अब एडीमा होगा साथ आपकी जो एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई के अंदर एक हायलिन मेम्ब्रेन बन जाती है, हायलिन मेम्ब्रेन बन जाती है आपके एल्वोलाई के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स इसके आते हैं, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है जब मेम्ब्रेन बन गई है आपके एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, कैपिलरीज और उसके दरमियान में अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी क्योंकि एक मेम्ब्रेन बन गई, उस मेम्ब्रेन की वजह से आपका जो नॉर्मली एल्वोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होनी थी, ऑक्सीजन ने जाना था वो नहीं हो पा रही है। साथ पेशेंट को साइनोसिस डेवलप हो जाएगी, अब जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो पेशेंट ने ब्लू हो जाना है, साइनोसिस डेवलप हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, और वही बात लिखी हुई है कि आपको जो डिफ्यूजन बैरियर है ना, डिफ्यूजन बैरियर जहाँ से आपके ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर जाना होता है आपके ब्लड के अंदर, वो आपका थिक हो गया है। अब सरफेस टेंशन इसकी वजह से आपकी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि आपकी सर्फेस टेंशन जो है ना वो सर्फेस जो है ना वो ज़्यादा होगी, सर्फेस टेंशन ज़्यादा होगी है। सेकेंडरी में किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है, अगर किसी पेशेंट को सेप्सिस हो गया है तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, उसका रिस्पायरेशन उसकी अबनॉर्मल होगी। इन्फेक्शन वाले पेशेंट के अंदर शॉक, ट्रॉमा, एस्पिरेशन, अब या डीआईसी, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एंड ड्रग्स, इन सब के अंदर किस तरह से होती है, इन सब में ना इन्फेक्शन का या न्यूट्रोफिल्स का रोल है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि न्यूट्रोफिल्स जो है ना उससे प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कि आपके एल्वोलाई को खा जाती हैं, ठीक है, तो प्रोटीएज मीडिएटेड या फिर इनमें से फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी आपके तब बनते हैं जब आपकी कोई इन्फ्लामेशन होती है, कोई इंजरी होती है, तो इन दोनों की वजह से आपके जो टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है ना वो डैमेज हो जाएंगे। जब टाइप 2 टाइप 1 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी आपको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है। इसके अंदर हम वेंटिलेशन करते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर से, ठीक है, जो आपका पीप होता है, पीप आपका होता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर से हम इसकी वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है। अब पेशेंट को इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस या लॉस ऑफ टाइप 2 भी हो सकता है, और इसमें हमें जो है एक बात हमने याद रखनी कि वाइट आउट ऑफ द लंग्स हमें नज़र आता है, ठीक है, लंग्स जो है इस तरह बिल्कुल ही वाइट आउट लंग का हमें नज़र आता है एक्सरे के ऊपर, एक्सरे के ऊपर अगर आपको वाइट आउट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है इसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हुई है। यहाँ पे बताया कि प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर में प्लेक्सीफॉर्म लियंस नजर आते हैं, और ये एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर में हायलिन मेम्ब्रेन नजर आती हैं, ठीक है, जो आपके एल्वोलाई के अंदर हायलिन मेम्ब्रेन बन जाती हैं, और वाइट आउट हमें लंग का नजर आता है एक्सरे के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है वो इनएडिक्वेट सर्फेक्टेंट के लेवल्स की वजह से होता है। सर्फेक्टेंट आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट से बनता है, और इसमें फॉस्फेटाइडल कॉलीन होता है जो कि मेजर कंपोनेंट होता है। फॉस्फेटाइडल कॉलीन को हम लेसिथिन भी कहते हैं, जो कि मेजर कंपोनेंट होता है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपके सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कराते हैं, और सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमें न्यूनेटल ARDS या फिर न्यूनेटल एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। जो सर्फेक्टेंट होता है वो सर्फेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, और आपके एल्वोलाई के कोलैप्स नहीं होने देता है जब आप एक्सपायर करते हो।
लैक ऑफ सर्फेक्टेंट्स की वजह से आपकी एल्वोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, एयर सैक्स आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं और वहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो हमारे पास एआरडीएस जो एडल्ट में था उसमें भी हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी, एल्वोलाई कोलैप्स कर रहे थे, सर्फेस टेंशन ज़्यादा हो रही थी। और जो न्यूनेटल है इसके अंदर भी आपकी जो है वो सर्फेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सर्फेस सर्फेक्टेंट जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं होती है टाइप टू न्यूमोसाइट्स की वजह से। फॉस्फेटाइलकोलीन या जो लेसिथिन होता है वो आपका मेन कंपोनेंट होता है सर्फेक्टेंट का। अब एल्वोलाई जो है वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, एल्वोलाई आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं जब आप एक्सपायर करते हो, और साथ इसमें भी हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है इसमें भी। अब ये एसोसिएटेड होता है प्री मेच्योरिटी के साथ, ऐसे बच्चे जो प्री मेच्योरली पैदा हो जाते हैं या फिर सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी के अंदर भी एआरडीएस डेवलप हो सकता है या फिर मेटरनल डायबिटीज़ की वजह से। अब जो प्री मेच्योरिटी होती है इसमें सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन जो होती है ना वो 28 वीक के ऊपर स्टार्ट होती है और 32-34 वीक तक जो होता है ना वो एडिक्वेट लेवल्स नहीं होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लेसिथिन जो होता है वो टू स्पिंकोमाइलिन रेशियो जो होती है ना वो इसे हम स्क्रीन कर सकते हैं लंग की मेच्योरिटी को, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड लेके उसके अंदर लेसिथिन टू स्पिंकोमाइलिन की जो रेशियो होती है उसको हम यूज़ करते हुए लेसिथिन टू स्पिंकोमाइलिन की रेशियो को चेक करके हम डिटेक्ट करते हैं कि लंग की कितनी मेच्योरिटी होती है। जो फॉस्फेटाइलकोलीन लेसिथिन होते हैं लेवल्स वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं जब आपका सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है और स्पिंकोमाइलिन जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। अगर तो रेशियो 2:1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपके लंग से एडिक्वेट, बच्चे के लंग से एडिक्वेट सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि जब आपके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वैसे तो 28 वीक के ऊपर इसकी स्टार्ट होती है, ठीक है, प्रोडक्शन सर्फेक्टेंट की, और 34 वीक तक ना अभी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब अभी प्रोडक्शन हो रही होती है। आपने जो है वो लेसिथिन उसके एमनियोटिक फ्लूइड लेना होता है, उसमें लेसिथिन टू स्पिंकोमाइलिन की रेशियो आपने देखनी होती है, ठीक है। अगर तो रेशियो 2 से ज़्यादा है, नॉर्मली क्या होती है कि पहले तो दोनों की बराबर होगी, फिर जो लेसिथिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और स्पिंकोमाइलिन आपका कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो क्या होगा कि लेसिथिन की जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रेशियो आपकी बढ़ जाएगी। अगर तो 2 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपका जो सर्फेक्टेंट है वो एनएफ है और बच्चा डिलीवर हो सकता है और उसका कोई भी एआरडीएस डेवलप नहीं होगा। सिजेरियन सेक्शन के अंदर क्योंकि आपके जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस को ज़्यादा कर देते हैं। जब सिजेरियन सी सेक्शन जब बर्थ होती है तो उसके अंदर भी एआरडीएस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटरनल डायबिटीज़, मेटरनल डायबिटीज़ के इसलिए क्योंकि जो इंसुलिन होती है वो आपके सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को कम कर देती है, इंसुलिन सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो आपने मेटरनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर न्यूनेटल एआरडीएस हो जाता है, सीजेरियन सेक्शन वालों के अंदर हो जाता है, या फिर अगर आपका प्री मेच्योर बच्चा जो कि 28 वीक से कम का होगा या फिर उसके अंदर 34 वीक से पहले के एडिक्वेट लेवल्स अभी उसके प्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो उसके अंदर भी ये डेवलप हो जाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट को क्या, बच्चे को बर्थ के बाद ही उसके जो रिस्पायरेटरी एफर्ट उसकी ज़्यादा हो जाती है, बर्थ के बाद उसका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो एक्सेसरी मसल्स को यूज़ कर रहे होते, साथ में ग्रंटिंग मिलती है। इसमें भी वही होगा कि हाइपोक्सीमिया हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीजन नहीं जा रही है ब्लड के अंदर तो हाइपोक्सीमिया हो जाता है, हाइपोक्सीमिया की वजह से साइनोसिस उसका साइन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया, साइनोसिस जगह बच्चा जो वो नीले रंग का हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। और जब हम उसकी एक्सरे कराते हैं तो हमें ग्राउंड ग्लास अपेरेंस नज़र आती है या फिर आपका जो लंग होता है उसकी डिफ्यूज़ ग्रैनुलर हमें लंग नज़र आता है, ठीक है, डिफ्यूज़ ग्रैनुलरिटी हमें नज़र आती है जब हम एक्सरे कराते हैं सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, इसे हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपेरेंस, ठीक है। ग्राउंड ग्लास अपेरेंस आती है न्यूनेटल एआरडीएस के अंदर, जो आपका लंग होता है वो डिफ्यूजली ग्रैनुलर हो जाता है जब एक्सरे कराते हैं, और साइनोसिस हमें मिलती है क्योंकि हाइपोक्सीमिया हुआ होता है, साथ उसको टेकिपनिया हो जाएगा क्योंकि वह अपने एसेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा होता है रिस्पायरेशन के लिए। कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, जब आपको हाइपोक्सीमिया ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जो जो पीडीए होता है जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है वो खुली ही रह जाती है और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस भी डेवलप हो सकता है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की वजह से हमें फ्री रेडिकल इंजरी बच्चे को डेवलप हो सकती है, रेटिना की इंजरी हो सकती है, उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, लंग का डैमेज हो सकता है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजियास की वजह से, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस में एक तो ये हो सकता है कि उसको पीडीए हो जाएगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रहेगी, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस डेवलप हो जाता है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस डेवलप हो जाता है, साथ उसको फ्री रेडिकल इंजरी हो सकती है जब हम उसको हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, फ्री रेडिकल इंजरी हो जाएगी जब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, रेटिना की इंजरी हो सकती है, ब्लाइंडनेस डेवलप हो सकती है, रेटिना डैमेज हो सकता है और ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है, लंग डैमेज होगा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया की वजह से। अब आते हैं हमारा टॉपिक लंग कैंसर। लंग कैंसर आपकी मोस्ट कॉमन कॉज है मोर्टेलिटी की यूएस के अंदर, और ये एज ऑफ प्रेजेंटेशन इसकी यूजली 60 ईयर्स होती है, 60 साल की उम्र के लोगों के अंदर प्रेजेंट करता है लंग कैंसर।
की फैक्टर्स इसमें सिगरेट स्मोक आता है, रिडॉन आता है और एस्बेस्टॉस आता है। लंग कैंसर का जो मेन फैक्टर आते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, स्मोक तो हमें याद रहेगा, ठीक है, एस्बेस्टॉस भी हमें याद रहेगा, ठीक है, लेकिन रिडॉन भी, ठीक है, रिडॉन जो होते हैं उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो जाता है, ठीक है, स्मोक, एस्बेस्टॉस और रिडॉन। सिगरेट स्मोक आपका अगर आप 60 सिगरेट 60 से ज़्यादा कार्सिनोजन जो है सिगरेट स्मोक के अंदर 60 से भी ज़्यादा 60 से भी ज़्यादा कार्सिनोजन होते हैं और जो 85% लंग कैंसर होते हैं वो स्मोकर्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है, 85% आपके जो कैंसर होते हैं वो स्मोकर्स के अंदर होते हैं, लंग कैंसर जो है वो 85% लंग कैंसर जो है वो स्मोकर्स के अंदर ही होता है। और जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो आर्सेनिक होते हैं वो प्योर पार्टिकली म्यूटोजेनिक होते हैं। कैंसर रिस्क जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कितना आपने ड्यूरेशन और कितनी अमाउंट ऑफ सिगरेट्स पी हैं, पैक ईयर्स जिसे हम कहते हैं, रिडॉन जो होता है ना, ठीक है, आपकी ड्यूरेशन और पैक ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितनी थी और आपने अमाउंट कितनी ली है सिगरेट की। ड्यूरेशन और जो अमाउंट होती है ये दोनों आपको पैक ईयर्स के बारे में बताती है, कितने पैक्स आपने लिए हैं, ठीक है, पैक ईयर क्या होता है कि ड्यूरेशन क्या थी और अमाउंट कितनी थी सिगरेट की। रिडॉन आपका रेडिएक्टिव डिके कराता है यूरेनियम का, जो कि आपका सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डेड स्पेसेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि बेसमेंट्स में, ठीक है, बेसमेंट्स में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, क्लोज स्पेसेस के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, रिडॉन आपका सॉइल के अंदर होता है और जो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डिके से, ठीक है, यूरेनियम आपका जो है इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिके होता है तो हमारे पास रिडॉन बन जाता है। रिडॉन जो होता है वो क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है, ज्यादातर बेसमेंट्स में होता है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, और सेकंड मोस्ट कॉज है लंग कार्सिनोमा की यूएस के अंदर, यूएस के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है लंग कार्सिनोमा की और आयनाइजिंग रेडिएशन की, ये पब्लिक एक्सपोजर होता है इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन का। लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं जो यूरेनियम माइनर्स होते हैं। सिम्टम्स इसके नॉन स्पेसिफिक होंगे, कफ, वेट लॉस, हीमोप्टेसिस हो सकती है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव नमूनिया भी डेवलप हो सकता है, खांसी होगी, उसका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पूटम में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, साथ उसको नमूनिया भी हो सकता है। अब इमेजिंग के ऊपर हमें सॉलिटरी नोड्यूल मिलता है जिसे हम क्वाइन लीजन कहते हैं, बायोप्सी हमने लाजमी करानी होती है और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए। बिनाइन लीजन जो होते हैं ना वो हमें यंगर पेशेंट्स के अंदर मिलते हैं और क्वाइन की तरह के लीजन हमें नजर आते हैं, बिनाइन लीजन जो होते हैं। ग्रेनुलोमा जो होता है ना वो टीबी या फंगस की वजह से बनता है। हिस्टोप्लाज्मा जो होता है वो मिड वेस्ट के अंदर है। और ब्रोंकियल हिमाटोमास, ठीक है, जो कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, इसमें लंग का टिश्यू होता है और कार्टिलेज होता है और ये हमें कैल्सिफाइड नजर आते हैं इमेजिंग के ऊपर। लंग कार्सिनोमा की दो कैटेगरीज होती हैं, एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है जो कि 15% केसेस के अंदर होता है, एक नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है जो 85% केसेस के अंदर होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है 15% केसेस के अंदर होता है, इसमें आप सर्जिकल रिसेक्शन नहीं करते हैं, इसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं। और जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है इसमें हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, ये कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें एडिनो कार्सिनोमा आता है 40%, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है 30%, लार्ज सेल कार्सिनोमा आता है 10% और कार्सिनॉइड ट्यूमर्स आते हैं जो कि 5%। देखो दो डिवीजन है, एक स्मॉल सेल है और एक नॉन स्मॉल सेल है। जो स्मॉल सेल है वो 15% केसेस के अंदर होता है और स्मॉल सेल के अंदर हम कीमोथेरेपी देते हैं, स्मॉल सेल के अंदर हम कीमोथेरेपी देंगे और जो नॉन स्मॉल सेल होते हैं उसके अंदर हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। नॉन स्मॉल सेल के अंदर हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, नॉन स्मॉल सेल के अंदर आपका एडिनो कार्सिनोमा आता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है, लार्ज सेल कार्सिनोमा आता है और कार्सिनॉइड ट्यूमर आता है। अब TNM स्टेजिंग क्या होती है, ट्यूमर साइज लोकल एक्सटेंशन। प्लीरा की इन्वॉल्वमेंट क्लासिकली हमें एडिनो कार्सिनोमा के साथ मिलती है, एडिनो कार्सिनोमा प्लीरा की इन्वॉल्वमेंट कराता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है सुपीरियर वेना कैवा की, उसकी वजह से आपका जो डिस्टेंडेड हेड और नेक की वेन्स आपकी डिस्टेंड कर जाती हैं, साथ एडिमा होगा, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है आपके फेस की, इसे सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हम कहते हैं। जब आपकी लेरिंग्स की रीक्रियल लेरिंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है और फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है तो डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी। जब फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होगी और जब आपकी रीक्रियल लेरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। सिंपैथेटिक चेन की कंप्रेशन की वजह से हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जिसमें आपकी मियोसिस, टोसिस, एनहाइड्रोसिस डेवलप हो जाती है और साथ आप ये जो पैनकॉस ट्यूमर जो एपिकल ट्यूमर्स होते हैं उनकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप होता है जिसमें आपका जो प्यूपिल होते हैं वो पिन पॉइंट हो जाते हैं, एनहाइड्रोसिस, स्वेटिंग नहीं होगी, साथ उसमें टोसिस हो जाती है कि उसकी आईलिड्स जो ड्रूप कर जाते हैं। रीजनल लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड भी हो सकते हैं जिसमें हाइलर और मीडियास्टल लिम्फ नोड्स आते हैं। ये नीचे टाइप्स अभी हम पढ़ते हैं, पहले मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद जो M होता है वो यूनिक साइट होती है डिस्टेंट मेटास्टेसिस की, जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर यूजुअली मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। 15% उसका 5-year सर्वाइवल होता है, ऑफन प्रेजेंट लेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड, क्योंकि लंग कैंसर का कोई इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड नहीं है तो ज़्यादातर ही लेट ही डायग्नोज होता है और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर इसके डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इसका बेसिकली रीजनल लिंफ नोड पढ़ लिया कि इसे बताया हॉर्नर सिंड्रोम कराता है जब ये आपके जो पैन कॉस ट्यूमर्स होते हैं वो हॉर्नर सिंड्रोम कराते हैं, और जो सुपे मैंने कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, सुपे मैंने कहा सिंड्रोम हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, डायफ्रेगमेटिक पैरालिसिस हो सकती है, प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट होती है एडिनोकार्सिनोमा के अंदर। अब यहाँ पे बताया हुआ स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स या फिर कल्चर्ड स्काई सेल्स होते हैं। मेल स्मोकर्स को अफेक्ट करता है, लोकेशन इसकी सेंट्रल होती है, रैपिडली ग्रो करता है, अर्ली मेटास्टेसाइज करता है, ये ADH को या ACTH को भी प्रोड्यूस करता है, और ये लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम या पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम कराता है। ठीक है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम कराता है, ADH को प्रोड्यूस करता है, ACTH को प्रोड्यूस करता है, जो आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम्स कराता है, सेंट्रल इफेक्ट करता है, मेल स्मोकर्स के अंदर होता है, रैपिडली ग्रो करता है, स्मॉल सेल्स पुअरली डिफरेंशिएटेड स्मॉल सेल्स होते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं, सिम कल्चर्ड स्काई सेल्स ये डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन कल्चर्ड स्काई से, और इसमें हम कीमोथेरेपी ही करते हैं स्मॉल सेल वाले में, सर्जिकल रिसेक्शन नहीं करते हैं। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हमने पढ़ा कि 30% केसेस के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, इसमें हमें कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं। ठीक है, कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं और इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिलते हैं। ये मेल स्मोकर्स के अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है ना वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होता है। ये भी सेंट्रल इसकी लोकेशन होती है, और PTHRP हमारे पास ये वो PTHRP प्रोड्यूस करता है। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है वो PTHRP प्रोड्यूस कर रहा था, और जो हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो ACTH, ADH और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम कराता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास लार्ज सेल कार्सिनोमा। जो लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है, सॉरी उसके पहले मतलब एडिनो कार्सिनोमा। अब जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो ग्लैंड्स और म्यूसिन प्रोड्यूस करता है, मोस्ट कॉमन होता है नॉन स्मोकर्स या फीमेल स्मोकर्स के अंदर, और पेरिफेरल लोकेशन होती है। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा की पेरिफेरल लोकेशन होती है क्योंकि हमने पढ़ा कि प्लूरा को इन्वॉल्व करता है एडिनोकार्सिनोमा, और ये फीमेल स्मोकर्स या फिर नॉन स्मोकर्स के अंदर डिवेलप होता है। फीमेल स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स के अंदर डिवेलप होता है। और उसके बाद आते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब जो लार्ज सेल कार्सिनोमा होते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड लार्ज सेल्स होते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड लार्ज सेल कार्सिनोमा है तो लार्ज सेल्स होंगे, इसमें कोई कैरेटिन पर्ल्स नहीं होते हैं। कैरेटिन पर्ल्स होते हैं बस कॉमन सेल कार्सिनोमा में थे, ना ही इसमें इंटरसेलुलर ब्रिजेस होते हैं, ना ही ग्लैंड्स होते हैं और ना ही म्यूसिन होते हैं। मतलब जो कॉमन सेल कार्सिनोमा में और जो एडिनो कार्सिनोमा में वो इसमें नहीं होगा, ना इसमें ग्लैंड्स होंगे, ना इसमें म्यूसिन होगा, और ना ही इसके अंदर हमें जो कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं। ये भी स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, और ये सेंट्रल पेरिफेरल दोनों हो सकता है। एडिनो कार्सिनोमा पेरिफेरल था, ये सेंट्रल पेरिफेरल दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा। जो ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा होता है इसमें कॉलमर सेल्स हमें मिलते हैं जो कि ग्रो करते हैं प्री एक्जिस्टिंग ब्रोंकियोल्स के अलॉन्ग और एल्वुला में, और इसमें हमें क्लारा सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके क्लारा सेल्स इंपॉर्टेंट है जो ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा में मिल रहे हैं, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर हमें कल्चर्ड स्काई या न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं जहां से वो बेसिकली अराइज करता है। ये स्मोकिंग के साथ रिलेटेड नहीं होता है जो ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा होता है। इसकी पेरिफेरल लोकेशन होती है, नमूनिया की तरह की कंसोलिडेशन हमें नजर आती है इमेजिंग के ऊपर। इसकी प्रोग्नोसिस एक्सेलेंट होती है, अगर किसी को ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा ऑफ द लंग है तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड भी नहीं होता है, और इसमें हमें कॉलमनर सेल्स मिलते हैं जो कि अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ ब्रोंकियोल्स ही ग्रो कर रहे होते हैं, इसमें हमें क्लारा सेल्स मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर्स। ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर होता है, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर्स, हमने पहले भी पढ़े थे। स्मोकिंग के साथ रिलेटेड नहीं होता है, सेंट्रल भी हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है। पॉलिप की तरह का मैस हमें नजर आता है ब्रोंकस के अंदर, इसमें लो ग्रेड मेलिग्नेंसी होती है, और ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम करा सकता है जो कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होता है, ये हमने याद रखना है। मेटास्टेसिस टू लंग हो सकती है, मोस्ट कॉमन कैंसर जो ब्रेस्ट और जो कॉलन का कैंसर होता है ना, ब्रेस्ट का और कोरोलेक्टर कैंसर, ये मोस्ट कॉमनली आपके लंग के अंदर मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। मल्टीपल कैनन बॉल नोड्यूल्स नजर आते हैं हमें इमेजिंग के ऊपर, और मोर कॉमन होते हैं देन द प्राइमरी ट्यूमर्स। ठीक है, मेटास्टेटिक लंग कैंसर ज़्यादा कॉमन होते हैं प्राइमरी ट्यूमर से, कैनन बॉल अपेयरेंस आती है जब इमेजिंग कराते हैं, और जो कॉलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है, कॉलन कार्सिनोमा, और साथ आपका जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है वो लंग के अंदर मेटास्टेसाइज कर जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ग्रैनुलैरिटी ऑफ द लंग शो की हुई है न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर, जो हमें ग्रैनुलैरिटी नजर आती है और वाइट आउट ऑफ द लंग हो जाता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा शो किया हुआ है, उसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एंड देन दिस कैरेटिन पर्ल्स हमें नजर आते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अंदर। साथ इंटरसेलुलर ब्रिजेस होते हैं, सेल्स के दरमियान में ब्रिजेस नजर आएंगे, सेंट्रल लोकेशन होती है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, इंटरसेलुलर ब्रिजेस होते हैं, कैरेटिन पर्ल्स होते हैं। जो एडिनो कार्सिनोमा होता है इसमें ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है, म्यूसिन प्रोडक्शन होती है, और इसकी पेरिफेरल लोकेशन होती है, ये ज्यादातर प्लूरा को इन्वॉल्व करता है। जो कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक क्रोमोग्रेनिन एक्सप्रेशन होती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ऊपर क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होते हैं जो कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं। उसके बाद आती है प्लूरा। प्लूरा में न्यूमोथोरिक्स आ जाता है और मेसोथेलियोमा आता है। ठीक है, अब जो प्लूरा होती है ना ये क्या करती है, ठीक है, प्लूरा जो होती है ये आपकी एक्युमुलेशन कराती है एयर इन द प्लूरल स्पेस के अंदर। ठीक है, प्लूरा में क्या होगी, आपकी एयर एक्युमुलेट हो जाती है प्लूरल स्पेस के अंदर।
एयर एक्युमुलेट हो जाती है प्योर न्यूमो सॉरी 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 जो आपका निमोथॉरिक्स होता है ना, इसमें आपकी एयर एक्युमुलेट हो जाती है प्लूरल स्पेस के अंदर. निमोथॉरिक्स एयर आ गई है थॉरिक्स के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर एयर आ गई है. अब एक स्पॉन्टेनियस निमोथॉरिक्स होता है, एक होता है टेंशन निमोथॉरिक्स. ठीक है, टेंशन निमोथॉरिक्स, स्पॉन्टेनियस निमोथॉरिक्स में आपके एम्फिसीमेटस ब्लब्स जो होते हैं उनका रप्चर हो जाता है. ये यंग अडल्ट्स के अंदर में नजर आता है और इसमें आपका वो वाला लंग का पोर्शन कोलैप्स हो जाता है और ट्रेकी आपकी टू द साइड ऑफ कोलैप्स, जिस तरफ आपका लंग सुकड़ जाएगा कोलैप्स कर जाएगा उस तरफ आपकी ट्रेकिया मूव कर जाती है टू द साइड ऑफ कोलैप्स. इसमें आपको जो एम्फिसीमेटस ब्लब फूला हुआ जो एक आपका एल्वोलाई होता है एम्फिसीमेटस ब्लब होता है वो फट जाता है और एयर आ जाती है आपकी प्लूरल स्पेस के अंदर. टेंशन निमोथॉरिक्स आपकी पेनिट्रेटिंग चेस्ट वॉल इंजरी से होता है. कोई अगर आपको छुरी लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट वॉल इंजरी है तो आपको टेंशन निमोथॉरिक्स डेवलप हो जाता है. इसमें प्लूरल स्पेस के अंदर एयर अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है, ट्रेकिया हमेशा ऑपोजिट साइड के ऊपर चली जाती है. अगर आपको लेफ्ट साइड पर इंजरी हुई है तो ट्रेकिया आपकी राइट साइड पर चली जाएगी. और मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें हमने चेस्ट ट्यूब की इंजर्शन करनी होती है. अब जो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है आपके मीजोथीलियम, आपका मीजोथीलियल सेल्स का मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है और ये एस्पेस्टोस की वजह से होता है. हमने पहले भी पढ़ा था कि एस्पेस्टोस आपका लंग कार्सिनोमा भी कराता है, मीजोथीलियोमा भी कराता है. मीजोथीलियोमा के अंदर मीजोथीलियल सेल्स की मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है, लेकिन जो एस्पेस्टोस है ना वो ज़्यादा लंग कैंसर कराता है एज कम्पेयर टू द ठीक है वो ज़्यादा लंग कैंसर ज़्यादा कराता है एज कम्पेयर टू मीजोथीलियोमा. और इसमें बार बार उनको चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप हो जाएंगी, प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन होता है और ट्यूमेंट जो है वो एनकेस कर रहा होता है आपके लंग को.